हे गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लोग दोपहर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो यार गाइस, इस वाले एपिसोड पे लाइक टारगेट है पूरे 13,500 का। फटाफट जाओ गाइस, जल्दी से जाकर पहले लाइक टारगेट आप लोग कंप्लीट करवाओ, क्योंकि भाई आपको ही पता है यार, जितनी जल्दी जल्दी आप लोग लाइक टारगेट कंप्लीट करवाते हो ना, उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट एपिसोड भी लेकर आते रहता हूँ। तो फटाफट जाओ गाइस, पहले आप लोग जाकर के लाइक करो। और हाँ गाइस, मुझे ना इंस्टाग्राम भी जाकर फॉलो कर लो, वहाँ पर गाइस मैं आपको बताते रहता हूँ कि GTA की वीडियो ना कब आने वाली है, किस डेट को आने वाली है, और आपसे बात भी करता हूँ। फटाफट जाओ गाइस, इंस्टाग्राम भी जाकर मेरे को फॉलो कर लो। तो यार गाइस, अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा था तो आप सभी को याद होगा कि गाइस लास्ट टाइम हम लोग सबसे पहले गए थे पुलिस ऑफिसर से भाई अपने हिस्से का पैसा लेने के लिए, जो कि बंकर से हम लोगों ने चोरी करके पुलिस वालों को दिया था, मतलब उनके लिए चोरी किया था। लेकिन भाई इतनी मेहनत हम लोगों ने किए थे ना भाई, तो भाई पैसे आधे तो मेरे बनते थे। तो मैं गया था सीधा पैसे लेने के लिए, लेकिन भाई सीन ये हुआ ना भाई कि जो पैसे हमने हाइस्ट किया था बंकर से, यार वो बंकर का ओनर भाई मिलिट्री कैडर को आकर के ले जा करना पुलिस स्टेशन से ही पैसों को सारे ले गया। भाई साहब, मिलिट्री कैडर का ना पावर इस्तेमाल किया है। फिलहाल गाइज, हम लोग को लास्ट टाइम पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पुलिस वाले हमारे पीछे जरूर पड़ गए थे और भगाया बहुत ज़्यादा। एंड उसके बाद गाइज, हम लोगों ने जो बंकर से पैंथर कार चोरी किया था ना भाई, उसको ना छुपाने के लिए हम लोग सीधा लेकर के निकल गए पॉलिटिशियन के मेंशन पर, जहाँ पर भाई अपनी वाली कार ना बहुत ज़्यादा सेफ रहती है। लेकिन गाइज, वहाँ पर मैं जैसे ही गया ना, वो बंदा कहने लगा कि यार ये गाड़ी मेरे को पसंद आ गई, मुझे ना मतलब ये गाड़ी अब सेल कर दो, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। और गाइज, उसके बाद ना मैंने उसको वो वाली गाड़ी सेल कर दी, और बदले में भाई उसने मेरे को ना एक बहुत ही लग्जरी सा मैंसन गिफ्ट किया था, जो कि भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा लगा मेरे को। तो चलो ठीक है, लास्ट टाइम ना गाइज मैंने अच्छी खासी एक मैंसन भी ले ही लिया पैंथर कार के बदले। और हाँ गाइज, उसके बाद आपको पता होगा डायमंड कैसीनो हम लोग हाइस्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे ना, तो लास्ट टाइम ने मेरे को काम दिया था एक डायमंड कैसीनो के मैनेजर को किडनैप करने का। तो मैं ना भाई सीधा बाइक वाइक पकड़ कर सीधा पहुंच गया डायमंड कैसीनो, और उस नमूने का बाहर निकलने का इंतजार किया। तो भाई वो ना बहुत ही तगड़े तगड़े व्हीकल्स लेकर के, सिक्योरिटी लेकर ना लेकर के वो घूम रहा था। और भाई साहब, मैंने सीधा उसके कॉन्वॉय पर हमला किया, सभी सिक्योरिटी गार्ड को मारा, और उसको किडनैप करके ना भाई लेस्टर के पास लेकर के अभी आ चुका हूँ मैं। तो चलो ठीक है, फिलहाल ना गाइस हम लोग ना एक टॉर्चर रूम के पास है, जहाँ पर भाई हम लोग ना उस बंदे को टॉर्चर करके ना सारा कुछ जानकारी निकाल रहे हैं। बाकी ठीक है, अभी ना फटाफट हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और आज का दिन अपना होने वाला है बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि गाइस आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही तगड़ी हाइस्ट, मतलब गाइस डायमंड कैसीनो का सारा पैसा आज होने वाला है हमारे नाम, और हम बनने वाले हैं लॉस सैंटोस के सबसे बड़े माफिया। मतलब गाइस, सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन गाइस हम ना लॉस सैंटोस के माफिया बनेंगे, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा रिच भी बनने वाले हैं। मतलब गाइस, लॉस सैंटोस मेरा हमसे ज़्यादा रिच अब भाई को होने नहीं वाला। बाकी ठीक है, यहाँ पर अपने कुछ टीम के बंदे हैं जो कि हमारे साथ काम करेंगे, हाइस्ट में हमारी हेल्प करेंगे। बाकी चलो ठीक है, फटाफट हम लोग ना रूम के अंदर चलते हैं, और जाकर ना लेस्टर से पूछते हैं कि उसने क्या कुछ इन्फॉर्मेशन उस बंदे को टॉर्चर करके निकाला है। बाकी साथ से गेट लॉक कर रखा होगा, हाँ जहाँ तक मुझे लगा था। चलो ठीक है, दो तीन बार ना भाई दरवाजे को खड़काने के बाद ना लेस्टर ने दरवाजा ओपन कर दिया। बाकी फटाफट से अब हम लोग नीचे चलते हैं, और एक ही सेकेंड भाई देखो बंदे को कैसे भाई लटका ही रखा है लिटरली भाई साहब। बाकी एक दिन ये लेस्टर को कुछ तो पता चला भाई, बहुत खुश है और फ़ोन चेक करके भाई देख रहा है। वैसे भाई इस बंदे की जो हम लोगों ने हालत किया है ना भाई, लिटरली बहुत बुरा किया है। और बेचारा भाई कितना महंगी महंगी कार में घूम रहा था, रोल्स रॉयस क्लीनन था इसके पास, और इसके सिक्योरिटी भाई फॉर्च्यूनर में घूम रहे थे, और इससे भी तगड़ी तगड़ी कार थी इसके पास। लेकिन भाई बेचारे को हम लोगों ने भाई मज़ा चखाया बहुत बुरा वाला। और फिलहाल इसको किडनैप करने का रीज़न क्या था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लेस्टर को पता होगा। बाकी ठीक है, फटाफट बातचीत करते हैं, कुछ ना कुछ तो भाई इसको पता चला होगा। चलो गाइस ठीक है, इसको ना जो चाहिए था, जिनका लोकेशन चाहिए था, वो ना भाई इसको टॉर्चर करके उनका फोन हैक करके पता कर लिया है। अब भाई देखो लेस्टर मेरे को कह रहा है कि तुम फटाफट से जाओ, दो टारगेट मेरे को दिया है उनके पास है, हमें ना गाइस मतलब कुछ की कार्ड चोरी करके लानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बिना हम लोग भाई मतलब कैसीनो के अंदर घुस ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो चलो भैया ठीक है, ये काम करने के बाद सीधा हम लोग डायमंड कैसीनो और तबाही मचाने। बाकी हाँ, लेस्टर ने कहा था कि रास्ते में से ना जाते हुए जोकर के कुछ ड्रेस पहन लेना, क्योंकि ना तुम हाइस्ट करने वाले हो जोकर बन करके, क्योंकि आज ना भाई डायमंड कैसीनो में कुछ पार्टी भी चलने वाली है, जहाँ पर ऐसे टाइप के बहुत से लोग आएंगे। चलो बाकी ठीक है, अभी ना फटाफट अपने जोकर गैंग के साथ यहाँ से मैं निकलता हूँ। बाकी तू भाई साहब जल्दी से आकर बैठ जाए, अपने पास टाइम वाइम बिल्कुल नहीं है। और देखो अभी ना 11 बज चुके हैं ऑलरेडी, और मुझे ना भाई मतलब मेरे पास है ना भाई 1 घंटे का टाइम है, मुझे ना ये दोनों की कार्ड लानी है, और उसके बाद सीधा ना भाई 12 बजे के आसपास एंटर होनी है डायमंड कैसीनो पर। और हाँ गाइज, अपने पास टाइम तो बोल सकते हो बिल्कुल भी नहीं है, और अगर ज़्यादा मैंने टाइम पास किया वेस्ट किया तो भाई हो सकता है आज भी अपना डायमंड कैसीनो का हाइस्ट पूरा ना हो, बाकी तेरी ऐसी की तैसी टैक्सी वाले। चलो गाइज ठीक है, फटाफट ना इस वाले रेंज रोवर को भगाते, हालांकि रेंज रोवर नहीं है, रेंज रोवर का डुप्लीकेट जैसा लग रहा है,
लेकिन भाई क्या मतलब, इसकी मॉडिफिकेशन देखो कितनी ज्यादा खतरनाक है। और एक सेकेंड, ये लॉक क्यों कर दिया भाई? हेलो, अबे तोड़ बोड़ के निकलना। नहीं 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 भाई, यहाँ पर ट्रेन आ रही है। और भाई ये टैक्सी वाले को देखो कितनी जल्दी है भाई, ऐसी ना लोगों का एक्सीडेंट नहीं होता है। चलो कोई ना, थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से भाई निकलते हैं। और बाकी हाँ, गाड़ी का इंटीरियर वगैरह देखो क्या मस्त लग रहा है। और अपने चारों के चारों जो कर बैठे पड़े, चारों नहीं तीन, हालांकि मेरे को मिलाकर भाई चार ही हुआ ना। चलो भैया ठीक है, फटाफट ना पहले हम लोग चलते हैं एक क्लोथ स्टोर पर, जहाँ पर जाकर हम लोग भी जोकर वाली टाइप के ना कुछ ड्रेस व्रेस पहनेंगे और सीधा हम लोग निकलते हैं। वहाँ से हम लोग ना जोकर वाली ड्रेस पहनेंगे और फिर चलेंगे अपने टारगेट के पास की कार्ड चोरी करने के लिए। लेट्स गो, निकलते हैं लोकेशन पर। ऑल राइट गाइस, चलो ठीक है, अभी हम लोग ना लोकेशन पर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपने पहले टारगेट के पास, जिसके पास से मुझे ना भाई की कार्ड चोरी करनी है। अब भाई देखो, यहाँ पर लेस्ट ने मुझे बोला तो था कि हो सकता है वहाँ पर उसके साथ कुछ सिक्योरिटी हो, तो तुम थोड़ा ध्यान देना बाकी। हाँ मतलब ना एक तरीके से लेस्टर ने यही मेरे को बोला है अलर्ट रहने के लिए, कि जो ये इन्फॉर्मेशन इसको मारने का, ये डायमंड कैसीनो तक जाने नहीं चाहिए, अदरवाइज हमारी एंट्री ख़राब हो सकती है। चलो ठीक है, फटाफट यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। बाकी जो टारगेट मेरे को दिखा रहा है उसका फ़ोन का लोकेशन तो ये है, मतलब गाइस देखो सामने जो बंदा खड़ा है, मतलब गाइस देखो पीली कार के सामने जो बंदा खड़ा है उन्हीं में से कोई है, तो उनको टपकाना है मेरे को। चलो ठीक है, बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ना दो चार ना सिक्योरिटी भी है। बाकी एक ही सेकेंड, ऑल राइट लेट्स गो गाइस, फटाफट से गन निकाल लो अपना अपना। बाकी अभी ना फटाफट से इसको सबक सिखाना है, तो पहले हम लोगों ने यहाँ पर इस बंदे को मारते, तेरी ऐसे कैसे, निकल निकल यहाँ से। ओ भाई एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया। चलो ठीक है, यहाँ पर भाई ये सारे सिक्योरिटी लेकर के आया था नमूना। वैसे रुको, रोड पर नहीं, रोड पर नहीं भाई, यहाँ पर ना लोग पागलों की तरह मेरे को मार रहे हैं। रुको रुको रुको, अपने सारे बंदे लोग क्या कर रहे हैं भाई, मारो बे। चलो ठीक है, यहाँ पर इन लोगों ने भी यहाँ पर मारना शुरू कर दिया है। और एक सेकेंड, ये एक बंदा, लेट्स गो, ये पड़ा हेडशॉट इसको। बाकी ये चला रहे गन, चुप चुप के गन चला रहे। रुको रुको, इसके ना पैर पर बजाना पड़ेगा। लेट्स गो, ये ख़त्म है। बाकी फटाफट से ना, तो अबे यार ये रोड वाले एकदम कसम से ना पागल रखे यार। चलो कोई बात नहीं, फटाफट यहाँ से हम लोग कवर लेते हैं। वैसे देखो अच्छी खासी आर्मर ने पहन रखा है और ज़रूरी भी है। बाकी एक सेकेंड, फटाफट ना एक बंदा बचा हुआ है, इसको ख़त्म करना है। लेकिन ये नमूना भाई छुपा पड़ा है कैसे। लेट्स गो, सांस से मर चुका है और अपने बंदों ने मार दिया है। फटाफट गए हम लोग ना जा करके की कार्ड ढूंढते हैं। बाकी मेरे ख्याल से ना ये जो बंदा है ना भाई, इसके पास रहा होगा। फटाफट ना अवेट, चलो ठीक है, अपने टीममेट को मैं बुला चुका हूँ। बाकी मेरे ख्याल से किसी के पास होनी चाहिए। फटाफट ना एक बार चेक करके देखते हैं, अगर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज ऑल राइट। चलो भाई साहब ठीक है, की कार्ड मेरे को मिल चुका है। बाकी गाइज लेट्स गो, हमें यहाँ से निकलने चाहिए दूसरी टारगेट के पास। और अभी गाइज उस बंदे को भी ना, रुको रुको रुको, एक काम करते गाइज, अरे यार मेरे पास पेट्रोल होता ना तो सब में आग लगा देता, वैसे आग लगानी जरूरी थी। फटाफट से ना छोलो यार, फटाफट एक काम करते। अबे यार रुको रुको रुको, आग लगानी है तो भाई सब पेट्रोल की क्या जरूरत है भाई। यहाँ पर ना सामने जो गाड़ी है ना, उसको फटाफट से मार कर ब्लास्टिंग कर देते हैं, ताकि ना गाइज कोई यहाँ पर पुलिस आए तो भाई कोई शक्ल नहीं पहचान सके कि ये ना डायमंड कसिनो वाले थे। थोड़ा सामने चलते हैं, सामने जाकर ना इंजन पे वार करते हैं, अगर इंजन पे फायर। ओ भाई आग लग चुकी है, फटाफट ना थोड़ा सा और। ऑल राइट, तो चारों तरफ से गाइस आग तो लग चुकी है और उम्मीद है कि अब ना भाई इन ऑफिसरों पे भी आग लगेगी और इनकी ऐसी की तैसी होगी। चलो ठीक है, आग ना धीरे धीरे कर फैल जाए ना गाइस, तो इन समय भी आग लग जाएगी। अरे यार गाइस ये तो गाड़ी फटी पर, अबे छोड़ो यार, यहाँ पर जितना ज़्यादा देर हम लोग रहेंगे ना उतना ज़्यादा अपना नुकसान होने वाला है। वैसे हाँ, जब तक डायमंड कैसीनो तक ना ये इन्फॉर्मेशन जाएगी तब तक गाइस हम लोग यहाँ से अपना काम करके निकलेंगे। बाकी चलो ठीक है, अपने तीनों के तीनों टीम आ रही है, फटाफट इनको बैठाते हैं और यहाँ से गए जल्दी से अपने दूसरे टारगेट के पास चलते हैं। अदरवाइज उसको पता चल गया ना कि कोई मार मार के की कार्ड चोरी कर रहा है तो भाई वो बंदा वहाँ से निकल जाएगा। और वैसे भी आग ना धीरे धीरे हो सकता है फैल जाए। और लेट्स गो, बंदा मर ही चुका है तो भाई अब ना घंटा में फ़र्क नहीं पड़ता। तो फटाफट गए हम लोग अपने दूसरे टारगेट के पास चलते हैं और उसके पास जो दूसरा की कार्ड है वो चोरी करते हैं। बाकी वेट वेट, ये ड्राइविंग कैसी की तैसी। लेट्स गो, बहुत अच्छे तरीके से मैंने कंट्रोल किया है और वो बंदा भाई काफ़ी ज़्यादा दूर होगा, बट कोई ना हम लोग पहुंच जाएंगे जल्दी से। ऑल राइट दोस्तों, तो इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं अपने दूसरे लोकेशन पर। बाकी तेरी ऐसी की तैसी, निकलना यहाँ से, रोड पे चलना इनका ज़रूरी होता है क्या? वैसे देखो गाइस हम लोग ना अपने दूसरे टारगेट के पास पहुंच चुके हैं और मैप में देखो ना तो बंदा ना फ़ोन, बंदे का जो फ़ोन ट्रेस किया हम लोगों ने वो यहाँ पर है, कोने पर कहीं पर होगा और कुछ कर रहा होगा। लेकिन उससे हमें क्या भाई, बंदे के ना वेट वेट, यहाँ पर भी कुछ सिक्योरिटी मेरे को नज़र आ रहा है, लेकिन भाई साहब हो सकता है यहीं कहीं पर बंदा होगा। और भाई देखो गाड़ी कितनी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर खड़ी है, मतलब कि इस बंदा भी ना काफ़ी रीच है। रुको 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 रुको, इसको भी ख़त्म करना है, लेकिन इसको ख़त्म करना इतना भी हार्ड नहीं है यार। रुको, इतने कम सिक्योरिटी गार्ड है अपने पास, चार टीम के बंदे हैं ना,
मतलब तीन है, मेरे को मिलाकर चार है। फटाफट यहाँ से ना स्नाइपर का एम करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले सिक्योरिटी को बजाते हैं। एक गया, दूसरा गया, एक सेकेंड, यहाँ पर ये बंदा फिर ऐसे निकल यहाँ से, ये ख़त्म। और कौन है भाई यहाँ पर? काफ़ी सारे को हम लोगों ने डाउन कर दिया है, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा सीन हो गया भाई। यहाँ पर ना पुलिस स्टेशन काफ़ी नज़दीक थी ना, तो तुरंत से यहाँ से किसी ने कॉल कर दिया है, लेकिन अभी तक पुलिस आया नहीं है। फटाफट से जो काम करते हैं, वेट वेट, कोई टक्कर ना बजा दे मेरे को। लेट्स गो लेट्स गो, पुलिस आ रही है जल्दी से। मैं एक सेकेंड, यहाँ पर भाई किसी के पास तो की होगा, फटाफट ना की तलाश करते हैं। वैसे वेट 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 भाई, एक सेकेंड, कहीं इसके पास तो नहीं ना? मेरे ख्याल से इसी के पास होगा भाई। लेट्स गो, फटाफट निकालते की। ऑलराइट, की तो आ चुकी है, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर पुलिस वाले भी आ गए हैं। लेकिन पुलिस वालों को भाई हमें छोड़ना है और फटाफट कर यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। नहीं 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 भाई, हम लोगों ने फेस में मास्क लगा रखा है, मैं नहीं चाहता कि पकड़ा जाऊँ और अपना चेहरा ये लोग देख ले। चलो यार गाइस, ठीक, अपने टीम के बंदे आकर बैठ चुके हैं, लेकिन यार पीछे से इन लोगों ने भाई अपनी गाड़ी की बहुत ऐसी तैसी करी है। लेकिन कोई ना, शीशा वीशा फोड़ने से भाई कुछ नहीं होता। हम लोग गए जाकर ना एक जगह पर पहले छुप जाते हैं, ताकि पुलिस वाले ना भाई अपना रास्ता क्लियर कर दे। वेट वेट वेट, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, इधर ना पुलिस वाले सामने रोड ब्लॉक कर रखे हैं, तो हमें ना रुको 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 रुको, ये जगह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। चलो गाइस, यहाँ पर ना आसपास कहीं भी पुलिस वाले नहीं है, और हम लोग ना, अरे यार रुको यार, ऐसे नहीं काम बनेगा, हमें गाइस एक काम करनी चाहिए। वेट वेट वेट, ये जगह कहाँ जाती है? हम लोग ना गाइस यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर तो भाई पार्किंग है ना। ओ वाह, ये छुपने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट जगह है। लेट्स गो, यहाँ पर भाई कौन ढूंढ सकता है हमें? थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे अपने दूसरे जगह के लिए। मतलब देखो, हमें दो ही की कार्ड चाहिए था और दोनों हमें मिल चुका है, तो अपने भाई फटाफट ना डायमंड कसिनो पे चलते हैं। लेट्स गो, पहले पुलिस वालों को यहाँ से हटने दे भाई। देखो मैप में ना कितने सारे पीछे पड़े हैं, लेकिन इनको लोकेशन नहीं पता ना, तो कोई दिक्कत नहीं है बाकी, ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो काफ़ी देर हो चुका है और मैं भाई सब यहीं पर छुपा हुआ था बाकी। हाँ, अभी ना फटाफट से काम करते हैं, जल्दी से लेस्टर मुझे कॉल करके आर्केड बुला रहा है, तो आर्केड पर पहले चलते हैं और वहाँ पर भाई समझाएगा कि आगे हमें डायमंड कैसिनो के अंदर कैसे एंट्री लेना है। और वहाँ पर भाई अपने भी कुछ बंदे बंदे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, डायमंड कैसिनो जाना और सारा काम करना बहुत ईजी हो गया। और आज का दिन तो भाई बहुत ईजी है, क्योंकि देखो आज ना डायमंड कैसिनो पर एक ना पार्टी चल रही है, और उस पार्टी में भाई बहुत सारे लोग ना अपने होलिया वगैरह बदल कर आने वाले हैं, तो हम लोग ना भाई जोकर बन के जाने वाले हैं और अपना काम निपटाने वाले हैं। लेट्स गो, ये बहुत सही बात है और अपना काम लगता है अब आसान हो गया है। ऑल राइट, चलो गाइस, ठीक है, मैं ना भाई वापस से आ चुका हूँ आर्केड पर। बाकी देखो ये जो गाड़ी ना भाई, ये मैंने रिपेयर भी करवा ली, क्योंकि ये ना भाई काफ़ी काम आने वाला है। बाकी ठीक है, फटाफट गाड़ी को यहाँ पर खड़ा करते हैं और जल्दी से गाइस हम लोग आर्केड के अंदर जाकर ना लेट्स से एक बार मिल के आते हैं। ऑल राइट गाइज, लेट्स गो, अपना सारा काम हो चुका है। लेस्टर मेरे को जो जो भी काम दिया था ना, सारा कुछ मैंने कर लिया है, गाड़ी चुराने से लेकर के की कार्ड, और इसके साथ साथ भाई हम लोगों ने भाई पिछले दो तीन दिनों से ना भाई काफी कुछ प्लानिंग कर रखे है इसी आर्केड के अंदर। चलो ठीक है, बाकी लेस्टर भाई साहब का लुक तो देखो भाई, भाई साहब क्या बियर्ड वेड बनवा करना, क्या लग रहा है बंदा। वैसे ठीक है, बाकी यहाँ पर जिमी अपना बिजनेस काफी बढ़िया चला रहा है भाई, और अच्छी खासी कमाई भी कर रहा है। चलो कोई ना, बाकी भी बातचीत करते हैं और आगे देखते हैं लेस्टर क्या कुछ करते हैं। और एक सेकेंड, साइंस अपने सारे टीम वीम के बंदे आ चुके हैं, जो कि वहां से डायमंड वगैरह और जितने भी कैश सब कुछ निकालने में ना हेल्प करने वाले हो भाई। देखो यार क्या मस्त पूरा स्वर्ग में बैठा पड़ा है। चलो ठीक है, फटाफट हम लोग ना बातचीत करते हैं लेस्टर से, एंड इस वक्त हम लोग पूरी डिस्कस करते हैं। बाकी देखो अंदर की तरफ अपने और भी टीम के बंदे थे, और हैकर वगैरह मेरे को दिखाई नहीं दे रहे यार, पता नहीं कहाँ है। चलो कोई ना भाई साहब, मतलब सात आठ बंदे तो भाई अभी यहीं पर है भाई। चलो भाई, लेस्टर बोल रहा है कि हम ना रेडी है जाने के लिए। और एक सेकेंड, कोई तो आया है, वेट वेट। चलो यार गाइस, ठीक है, हम लोग ने यहाँ पर सारे डिस्कस वगैरह कर चुके हैं और अभी हम लोग रेडी है जाने के लिए। चलो कोई ना, चलो भाई सब ठीक है, बाकी सारा सामान वगैरह रेडी है, बैग वगैरह हम लोगों ने पकड़ लिया, पूरा टीम के बंदे। बाकी चलो ठीक है गाइस, हम लोग ना तो अपने तीन बंदों के साथ ना जाने वाले हैं सीधा, मतलब अंदर की तरफ। बाकी ट्रेवर फ्रेंक ने अपने साथ रहेंगे, और इसके साथ साथ भाई बाकी जितने भी टीम के बंदे हैं ना, वो टनल पे रहेंगे जो हम लोगों ने भाई बनवाया था लास्ट टाइम। तो हाँ गाइस, वहां से ना सारे डायमंड कैश और हर एक चीज़ों को ना निकलवाने वाले हैं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा टनल के थ्रू निकलवाएंगे। तो चलो ठीक है, बाकी फटाफट हम लोग ना बाहर चलते हैं, बाहर अपने और भी टीम के बंदे हमारे इंतजार कर रहे हैं, और निकल सीधा डायमंड कैसिनो पर। ऑल वाइट गाइस, चलो ठीक है, मैं ना जोकर वाले आउटफिट पहनना भूल गया था, तो अभी मैंने अपना कॉस्ट्यूम पहन रखा है। बाकी इसको पहन कर हम लोग ना भाई कैसिनो के अंदर जाएंगे। अब भाई देखो, आज के दिन होने वाला है पार्टी, तो भाई कोई कुछ करेगा नहीं, और अपने पास सारा सामान वगैरह है, फटाफट बैग वगैरह सब कुछ मैंने डाल लिया गाड़ी के अंदर। जल्दी से हम लोग बैठते हैं और यहाँ से हम लोग निकलते हैं अपने पूरी टीम को लेकर के। चल भाई तू भी आकर के बैठ जा। बाकी अभी ना गाइस, हमें सीधा जाना है कैसिनो पर,
और हाँ गाइस लेट्स गो, फटाफट हम लोग सीधा कैसीनो पर ना मार्क लगाते हैं और वहाँ पर हम लोग सीधा चलते हैं। लेट्स गो, अभी ना ज़्यादा दूर हमें जाना नहीं है और अपने पास अच्छी खासी गाड़ी भी है वहाँ से भागने के लिए। लास्ट टाइम मैंने चुराया था जिसमें डबल वेपन लगी हुई थी, एक ग्रेनेड छोड़ता था और साथ ही एक से भाई बहुत तगड़े तरीके से ना मिनी गन चलता था भाई। चलो ठीक है गाइस, फटाफट हमें यहाँ से ना सीधा कैसीनो पर निकलना है और अपना काम स्टार्ट करना है। चलो यार गाइस ठीक है, मैं अपने जोकर गैंग के साथ आ चुका हूँ कैसीनो पे, मतलब और कैसीनो हास्ट करने के लिए। वैसे देखो भाई ये हास्ट अपना कम्प्लीट होगा या फिर नहीं, या फिर हम लोग फेल होने वाले हैं, इसका तो भाई कोई गारंटी नहीं है भाई। मुझे नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा। बाकी देखो यहाँ पर कैसीनो पर तो हम लोग आ चुके हैं भाई। यहाँ पर पार्किंग पे देखो कितनी सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी है। फिलहाल हमें ना भाई कोई बढ़िया सी पार्किंग जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर हम लोग अपने एसयूवी को रख सकते हैं। वैसे एक सेकेंड सामने की तरफ चलते भाई, इधर ना लगता है सारे के सारे बंदे ना, ओ भाई ये बैटमैन एडिशन कार लेकर कौन आया है, भैंस की टांग। और वहाँ पर भाई लग्जरी कार से भाई, मतलब ना कार सी कार भरी पड़ी है। वैसे चलो ठीक है, हमें ना भाई ये सब चीज़ें हमें देखनी नहीं है, हमें ना भाई जो चाहिए वो देखनी है भाई। इधर ना रास्ता ही ब्लॉक कर रखा है, उधर ना पूरा पार्किंग फुल है। अगर उधर हमें पार्क करना है ना तो साइड की तरफ जाना पड़ेगा। तो अगर वेट हमें जगह मिल चुका है, फटाफट एक काम करते हैं, यहाँ से ना इस साइड की तरफ से हम लोग मोड़ते हैं और सीधा अंदर चलते हैं। और वेट आराम से। अरे नहीं, टक्कर नहीं भाई, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होंगे ना, वो बैंड बजा देंगे अपने। वैसे चलो ठीक है, हम लोग भाई वीआईपी बन के आए भाई, ऐसे कैसे कोई हाथ लगा देगा। लेट्स गो गाइस, फटाफट ना पिस्तल हम लोग अंदर रखते हैं, अदरवाइज इधर सीन भी हो सकता है। चलो भाई सभी के सभी जोकर गैंग मेरे पीछे पीछे आओ, बाहर निकलते हम लोग यहाँ से तबाही मचाने के लिए। बाकी देखो जब भी मैं बोलूँ ना तो फटाक से गन निकाल लेना सबकी बैंड बजाने के लिए। बाकी एक सेकेंड, चलो यार गाइस ठीक है, फटाफट ना यहाँ से दौड़ लगाते हैं। और भाई देखो अभी ना हमें सीधा कैसीनो के अंदर जाना है और उम्मीद करता हूँ कि मेरा भाई वहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। वैसे देखो हम लोगों ने भाई जो भी लेस्टर ने बोला था ना भाई, सारा कार्ड वगैरह जुगाड़ कर लिया है, तो भाई एंट्री तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमें आराम से मिल जाएगी। बाकी फटाफट अभी हम लोग आ चुके हैं भाई, कितना बड़ा है डायमंड कैसीनो यार, मतलब सोचो इसके अंदर पैसे कितने होंगे। चलो ठीक है, बाकी मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ और लेट्स गो, जल्दी सब लोग चलते हैं सीधा कैसीनो के अंदर। चलो भाई सब ठीक, अपनी एंट्री हो चुकी है। बाकी जो भी लेस्टर ने बोला था, सारी फर्जी चीज़ें मैंने चोरी वोरी करके ना भाई, अभी मैं डायमंड कैसीनो का एक तरीके से गेस्ट बनकर अंदर आया हूँ। और इनको क्या पता कि आज ना इनके साथ क्या कुछ होने वाला है। बाकी भाई सब आज तो भाई पूरा फुल पार्टी चल रही है कैसीनो के अंदर, तो मज़ा आने वाला है। बाकी तुम लोग भाई थोड़ा ध्यान से एक्टिंग करना, कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई तुम लोग ना घबराए हुए और पकड़े जाओ। बाकी यहाँ पर देखो हर जगह ना डायमंड कैसीनो के स्टाफ मैनेजर हर कोई है, और भाई सब यहाँ पर ना मस्त पी भी सकते हैं। चलो ठीक है, पहले ना क्या सब लोग यहाँ पर थोड़ा एंजॉय करते हैं, जब तक ना लेस्टर का हमें कमांड नहीं मिलता आगे क्या करना है, तब तक हम लोग ना यहाँ पर आराम से ना कुछ पीते पीते हैं। चलो यार गाइस ठीक है, मैं भी ना यहाँ पर बस ऐसे ना नाटक कर रहा हूँ एक गेस्ट की तरह। बाकी भाई अपने नमूने को देखो भाई, इनकी नाटक तो देखो भाई, जैसे लगा है डांसर बन के आए, पूरा यहाँ पर फुल मस्ती कर रहे हैं। और इनके साथ साथ भाई पता नहीं और भी दोस्त कहाँ से बना लिया। चलो ठीक है, हम लोग आराम से पीते पीते, बाकी पीछे भी देखो बंदे ना सारे आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं, सब पी रहे हैं। और भाई चलो भाई हमें ना थोड़ा अलर्ट रहना है और किसी को शक ना हो कि हम लोग ना भाई यहाँ पर जोकर वाले मास्क पहन कर ना भाई कुछ और ही क्राइम करने आ रखे हैं। वैसे चलो यार, मुझे लगा था ना कि इधर जोकर बन के सिर्फ हम ही आए, लेकिन नहीं यार, हमारे साथ साथ ना कुछ और नमूने लोग हैं, जो कि ये देखो ये बंदरों जैसी शक्ल क्या पहन रखा है भाई, और मेरे को मत दिखा, एक रैपर बजा दो ना। लेकिन चलो ठीक है, कैसीनो के अंदर हमें कोई लफड़ा करनी नहीं है, चल भाई तू नाच ले। बाकी इधर और भी देखो कैसे कैसे लोग हैं भाई, अपने बंदे तो भाई यहाँ पर मस्त पार्टी मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन भाई कहीं ये पार्टी वार्टी करने के चक्कर में ये ना भूल जाए कि हम लोग भाई इधर ना कुछ और ही मिशन से आए हैं। और ये देखो ये क्या पहन रखा भाई तू, एकदम शैतान लग रहा है। चलो फिलहाल ये सब छोड़ो, बाकी ना गाइस इधर काफ़ी अमीर लोग बिजनेसमैन लोग आ रखे हैं, और ये नमूना के देखो यहाँ पर मस्त ड्रिंकिंग कर रहा है। चलो ठीक है, थोड़ा आगे चलते। और एक सेकेंड, ये ट्रेसी है क्या? वेट यार, मुझे ना ट्रेसी जैसी लग रही है भाई, पता नहीं, लग तो रही है, लेकिन चलो ठीक है, हो सकता है हो या फिर ना भी हो। लेकिन अभी ना गाइस हमें ये सब ध्यान नहीं देना है। वो भाई सब यहाँ पर कितने महंगे महंगे आउटफिट्स है यार, फिलहाल ये कपड़े वपड़े छोड़ो, यहाँ पर पूरा ना फुल ब्रांडेड चीज़ है। रुको यार, अभी ना एक काम करते हैं, हमें ना थोड़ा और भी ज़्यादा जाकर ना हमें देखनी चाहिए कि इधर भाई और भी कैसे कैसे लोग आ रखे हैं। और इधर तो भाई भूल ही जाओ, ये देखो कितने अमीर लोग हैं भाई, बिजनेसमैन लोग हैं, तो भाई ये लोग ना यहाँ पर कार का ना ऑक्शन होने वाला है ना, हो सकता है भाई इस कार का ना ऑक्शन हो, तो भाई ये लोग यहाँ पर बिड लगाए। चलो ठीक है, बाकी यहाँ पर भाई देखो कैसे कैसे कितने अमीर लोग होते हैं भाई, मतलब ना लोग सेंटोस में ना बहुत ज़्यादा अमीर बिजनेसमैन है यार, लेकिन ना हमें पता नहीं, अदरवाइज इनके घर में ना जरूर हम लोग डाका डाल दें। फिलहाल ये सब छोड़ो, ये रोबरी के बाद ना गाइस हमारे पास पैसों की कमी नहीं होने वाली, और थोड़ा ध्यान से किसी को सकना जाए। चलो भैया क्या कर रहे हो, चलो भैया तुम लोग तो सिक्योरिटी करो, मैं आता हूँ थोड़ा टेबल गेम्स, इधर और भी कुछ पार्टी वार्टी चल रही होगी, फटाफट थोड़ा सा अंदर चलते हैं।
एंड इधर भी देखते क्या कुछ चल रहा है। ऑल राइट, तो इधर भाई पता नहीं क्या है, फिलहाल इस वाले जगह पर जाकर देखते कि इधर क्या कुछ बना पड़ा है। और मेरे ख्याल से इधर भी लोग होंगे यार, पार्टी वार्टी कर रहे हैं, म्यूजिक इधर भी बज रहा है, मतलब इधर भी पार्टी वार्टी तो चल ही रही होगी। ओ भाई इधर ना भाई थोड़े अमीर लोग हैं, और एक सेकेंड यार, एक ही सेकेंड, अमीर लोगों से याद, इधर ना भाई मेरे को वो जो नमूना नाच रहा है, क्या वो एल रूबियो है? वैसे इधर मेरे को आना चाहिए या फिर ये तो मुझे नहीं पता। और एक सेकेंड भाई इधर ना काफ़ी सारे लोग हैं, फटाफट ना हम भी अंदर ही जाते हैं, इधर ये लोग पार्टी कर रहे हैं, हम भी थोड़ा जा करना इनके साथ साथ नाच लेते हैं। भाई इधर देखो बंदे बंदे कितने सारे आ रखे हैं भाई यार, गज़ब। अभी मैं भी ना इनकी तरह हरकतें करना शुरू कर दिया। बाकी ना भाई इधर मैं देखने आया हूँ कि कैसे कैसे लोग हैं। भाई यहाँ पर एल रूबी है और ये नमूना ऊपर देखकर नाच रहा है हाथ ऊपर करके। भाई ये जाना है पहचाना सा मेरे को लग रहा है। और गज़ इसके बगल में जो बंदा है ना बड़ी बड़ी मूंछों वाली, हाँ ये बंदा भी ना मेरे को कहीं ना कहीं देखा देखा सा लग रहा है। और इस नमूने अंडर वाटर माफिया को कैसे बोल सकते भाई यार, यहाँ पर देखो कैसे कैसे नमूने अमीर लोग आकर यहाँ पर भाई पार्टी कर रहे हैं। हमें लगता है ना गाइस आज हमें यहाँ पर हमें अपने कुछ दुश्मन भी मिलेंगे, जैसे कि अंडर वाटर माफिया। और ये बंदा भाई मेरे को जाना पहचाना सा लग रहा है यार, बड़ी बड़ी मूंछ है यार, इसको मैंने कहीं तो देखा यार, आप लोगों को याद है क्या, इसको मैंने कहीं तो देखा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी चलो ठीक है, हमें यहाँ से निकलने चाहिए भाई, ऐसे नाटक करते रहेंगे भाई इनके साथ मिलकर ना तो हम भी जोकर लगेंगे भाई। फिलहाल ना मैं लेस्टर का ना कमांड के इंतजार करो कि कब वो क्या बोलता है, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर कुछ और एक्शन लेंगे। चलो भाई सब ठीक है, फिलहाल ना इन सभी नमूनों से हम लोग अपना ध्यान हटाते हैं और भी कुछ काम करते हैं। फिलहाल ये रूम कहाँ जाती है, अरे यार ये तो लॉक्ड है यार पूरे तरीके से, मुझे लगा लॉक होगी, लेकिन यहाँ पर पूरा ना भाई यहाँ पर कैसीनो आर्केड मशीन वगैरह सारा कुछ खाली है। अब खाली इसलिए क्योंकि यहाँ पर सारे पार्टी करने बिजी है। और इधर वेट, इधर गेम चल रही है भाई, ये देखो भाई कैसी कैसी गेम चलती है भाई। देखो इधर ना लोग अमीर लोग आते हैं, पैसे वैसे लगाते हैं, पैसे हार कर जाते हैं, और भाई वो सारे पैसे ना डायमंड कैसीनो के ना वॉल्ट में छुपाया हुआ है, जो कि हम लोग आज के दिन सब कुछ ख़त्म करने आए हैं। अब कर पाएंगे या फिर नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी गेम देखो भाई पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या खेलते हैं भाई, मुझे नहीं पता। और इधर भी देखो ये लोग यहाँ पर भाई खेलने में लगे पड़े हैं। और यहाँ पर भाई हर जगह ना सिक्योरिटी गार्ड है भाई, देखो फीमेल हो या फिर मेल हो, मतलब सिक्योरिटी हर जगह है। और हम भी चाहे तो खेल सकते हैं, लेकिन भाई देखो मेरा पैसे फालतू के ना, बाकी चलो भाई मुझे ना फालतू के पैसे वैसे हारने नहीं है। और एक सेकेंड यार, इधर की तरफ इधर कोई नहीं है, पूरा खाली है। बाकी इस साइड की तरफ भी कुछ बंदे बंदे हैं। और गाइस देखो अभी ना जब तक लेस्टर कुछ नहीं कहता ना फ़ोन करके या फिर मैसेज डाल के, तब तक हम लोग ने यहाँ पर जगह एक्सप्लोर कर लेते हैं, ताकि गाइस हमारे लिए ना सब कुछ करना आसान हो। तो देखो ये है मैनेजमेंट रूम। ऑल राइट, तो ये रहा मैनेजमेंट रूम और इधर रेस्ट रूम्स है। तो अभी ना गाइस हमें जाना किधर होगा मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे वॉल्ट होगी किधर वो तो भाई लेस्टर ही कुछ हमें डायरेक्शन बता सकता है। और जहाँ तक भाई मैंने प्लान में मैप वगैरह देखा था तो वो ना भाई हमें इस साइड की तरफ कहीं जाना होगा। फिलहाल वो सब छोड़ो, इधर पूरा खाली है। बाकी अपने बंदों को भाई पता नहीं कहाँ सारे के सारे हैं भाई, मैं ना इतना लंबा जगह इतना बड़ा जगह मैं भाई भटक ही गया था। फिलहाल चलो चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा पार्टी वार्टी कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हमें आगे क्या करना है। ऑल राइट गाइज, तो अभी ना भाई वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे ना मेरे फ़ोन पर एक टेक्स्ट मैसेज भी आया है, तो वो मुझे एक बार ना साइड में जाकर रीड करनी चाहिए। और बाकी अपने बंदों की बोल दो कि हमें ना नेक्स्ट कमांड आ चुका है लेस्टर का, आगे हमें कहाँ जाना है, कौन से रास्ते जाना है। चलो ठीक है फटाफट ना, अब भाई इतने जो अब भाई ये लोग यहाँ पर इतने सारे लोग हैं ना भाई, इनको ऐसे बता नहीं सकते भाई, इसको ना कान में बताना पड़ेगा ताकि कोई सुने ना यार। चलो भाई सब ठीक है, अभी ना हमें सीधा मैनेजमेंट रूम में जानी है। और हाँ भाई मतलब ना अपना जो बंदा है ना वो वहाँ पर भी होगा। चलो ठीक है फटाफट में ना भाई ढूंढना पड़ेगा कि आखिरकार, ओ वेट मैंने देखा भी तो था भाई, मैंने तो देखा था यार कि मैनेजमेंट रूम है किधर। वैसे फिर भी ना एक बार हम लोग पूरा मैप वगैरह मेरे को मिल चुका है, तो हम लोग ना देखते हैं भाई इधर ना कहाँ पे जाना है। तो ऑल राइट, तो हमें ना सेकंड फ्लोर पर जाना है, और सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए सबसे पहले मैनेजमेंट रूम जो कि इधर की तरफ है, और इधर भाई स्टेयर्स है, तो इधर से ऊपर चढ़ना है मुझे और यहाँ पर जाना है जो कि अपना बंदा इधर एक है। चलो ठीक है फटाफट हमें यहाँ से बैग जल्दी से आओ, किसी को शक ना जाए कि हम लोग भाई इधर ना कुछ चोरी वोरी करने आ रखे हो, बस ना हम लोग आराम से चलते हैं और किसी को कुछ शक भी नहीं होना चाहिए। लेट्स गो, बाकी अपने बंदे आ रहे ना भाई, थोड़ा ना ध्यान से चल, ध्यान दे के चलना, ऐसा ना हो कि भाई कोई तुम्हें पकड़ करना, मास्क वगैरह हटा कर देख ले, वैसे देख भी लेगा तो भाई किसको क्या ही पता है। बाकी वेट, मैनेजमेंट रूम किधर है यार, वेट मैनेजर्स भाई मैनेजमेंट रूम में ही होंगे ना, तो मुझे पहले वो रूम ढूंढना है। और एक सेकेंड ये मिल चुका है, फटाफट गाइस अभी हम लोग अंदर चलते हैं। और हाँ गाइस बाकी एक ही सेकेंड,
यहाँ पर कुछ डायमंड कैसीनो के कुछ सिक्योरिटी स्टाफ वगैरह है, तो इनसे थोड़ा मैं ध्यान से, अबे भाई साहब रुको रुको रुको, ये लोग ना कैसे हमें ऊपर आने से रोके तो नहीं, लेकिन ये नमूने लोग ऊपर आए तो हम ना, चलो ठीक है एक आ रहा है, बाकी एक ही सेकेंड वो बंदा ना भाई थोड़ा एक्टिंग कर रहा है ताकि ना हम लोग पकड़े ना जाए। चलो भैया ठीक है, एक साथ हम लोग नहीं आए, अलग अलग करके आए, बाकी इधर नहीं भाई, हमें ना इस साइड की तरफ जाना था, और मेरे ख्याल से यही होगा मैनेजमेंट रूम। वेट वेट, यहाँ पर जाकर फटाफट ना मिलते हैं कुछ मैनेजर से, बाकी ठीक है। ऑल राइट, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। यार रुको यार, ये जो बंदा है ना टोपी वाला, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पक्का हमारे साइड होगा। Mr. Duggan? Yeah. Okay. Right now. Yeah. He's boxing in the gym with. यार ये ना अभी Mr. Duggan ऐसा कुछ बोल यार, पता नहीं Duggan boss का नाम क्यों लिया, पता नहीं यार कुछ गड़बड़ ना हो, पता चला Duggan boss भी इधर आ रखा हो। चलो कोई ना, चलो गाइस जिस वक्त हमें ना भाई यहाँ पर ना वॉल्ट कार्ड किसी तरीके से चोरी करना है, बाकी एक सेकंड, अबे अभी ये लोग लड़ने क्यों लगे, वेट भाई यार ये कांड ना करवा दे भाई, अपना रोबरी फेल ना हो जाए, बाकी चलो ठीक है। इन दोनों के वजह ना काफी तगड़ी वाली लड़ाई हो चुकी है, किस बात पे लड़ाई हो मुझे नहीं पता। और एक सेकंड, वॉल्ट कार्ड वो ये रहा वॉल्ट कार्ड, चलो भाई चलो भाई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये बहुत गंदा वाला भाई, इसके ना जांघों पे बजा दिया भाई, बाकी यहाँ पर पुलिस ना आ जाए। चलो भाई ठीक है, ना सीन हो गया थोड़ा गड़बड़, बट कोई ना अभी ना, ओके ये रहा वॉल्ट कार्ड, फटाफट ही उठाते हैं, और ये बंदा बोल रहा है तुम लोग यहाँ से भागो। चलो भाई लेस्टर के इस बंदे ने भाई अपना बहुत अच्छा काम दिया है, काम किया है, और अभी हम लोग फटाफट स्टाफ रूम से बाहर निकलते हैं, और अभी ना गाइस हमें सीधा निकलना है। वेट अ सेकंड, हम लोग एक बार थोड़ा सा मैप चेक करते हैं, तो स्टेज चार कर हमें सीधा पहले ना नीचे जाना है, ताकि ना गाइस हम लोग बेसमेंट में जाएंगे ना तो सारा जो सामान है ना भाई सारा से बेसमेंट में छुपाया हुआ हो। बाकी तुम लोग फटाफट से ना आ जाओ अंदर की तरफ, और ये वेट 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 सा से इधर ही कहीं होना चाहिए स्टेयर्स, नहीं नहीं ये तो भाई लिफ्ट है, इधर से हम लोग जा नहीं सकते। फटाफट ना ये वाला दरवाजा ओपन करते हैं, ओके तो फटाफट गाइस अभी ना ये सीढ़ियाँ पकड़ कर हम लोग सीधा ना बेसमेंट पर चलते हैं। ऑल राइट, बाकी तुम सब भी भाई जल्दी जल्दी से आ जाओ यार, अपने पास ना टाइम बिल्कुल भी नहीं है। चलो भैया ठीक है, बाकी भी फटाफट हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, और एक ही सेकेंड इधर भी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी वगैरह है, बट हमें कोई मतलब लफड़ा नहीं है फिलहाल, और थोड़ा सा आगे चलते हैं। और इधर ना भाई पता नहीं कैसे कैसे रूम है भाई, ये देखो ये बंदा, वेट वेट इधर एक सिक्योरिटी गार्ड, और भाई इधर ना कुछ सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं भाई, नहीं भाई अब ना इधर से आगे हमें थोड़ा रिस्क है, मतलब यहाँ पर ना भाई पूरा सीसीटीवी कैमरे का कंट्रोल है, तो सीन तो हो सकता है गड़बड़, लेकिन फिर भी हमें ना यहाँ पर पूरी लेकिन फिर भी कोई दिक्कत है हमारे पास ना भाई कार्ड वगैरह है ना, तो उनको दिखाकर से यहाँ से हम लोग बच सकते हैं। और अभी ना फटाफट हमें यहाँ से सीधा चलते जाना है, और वो बंदा क्या पूछने गया भाई, किससे, पागल है भाई वो बंदा। बाकी चलो ठीक है फटाफट ना अंदर चलते हैं, और अभी ना गाइस हम लोग पता नहीं कैसे जगह पर आ गए भाई, हेलो यार इधर ना रिस्क बहुत ज़्यादा है, और रिस्क लेकर हम लोग भाई इधर की तरफ तो घुस चुके हैं भाई, अगर ना सीसीटीवी कैमरे में किसी ने देखा ना तो अपनी ना बैंड बजने वाली है। चलो भाई ठीक है, अभी ना भाई एक दरवाजा तो मिल चुका है जहाँ पर भाई वॉल्ट का रास्ता दिखा रहा है, फटाफट अभी यहाँ से आगे चलते हैं, और आई थिंक गाइज अपना काम यहाँ पर हो जाएगा। ऑल राइट गाइज, तो काफ़ी ढूंढने के बाद हमें एक स्टेयर्स तो मिला है, जो कि भाई सीधा हमें भाई नीचे की तरफ बेसमेंट में ले करके जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये आखिरी हो, अदरवाइज भाई इधर ना हम लोग काफ़ी टाइम से भटक रहे हैं। और एक ही सेकेंड, ऑल राइट थोड़ा और नीचे चलते हैं, साथ से हमें बेसमेंट मिल जाए, ये तो भाई ऊपर ना बेसमेंट का रास्ता नहीं था। ऑल राइट, तो ये B1 वॉल्ट एक्सेस, साथ से गाइज यही होगा बेसमेंट। ऑल राइट गाइज, तो अभी ना अपना सारा खतरा यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, तो देखो भाई ये ना वॉल्ट एक्सेस है, और यहीं पर ना गाइस सारा खजाना रखा हुआ है, और देखो अगर ना यहाँ से मैं बाहर निकला तो भाई सीन हो सकता है, मतलब गाइस इधर ना काफ़ी सारे सिक्योरिटी होंगे, फटाफट ना गन पहले अंदर रखते हैं, वैसे देखो मुझे कुछ कहेंगे उतनी ना, वैसे एक सेकेंड यहाँ पर भाई सिक्योरिटी देखो कितने सारे हैं, और वेट यार अभी ना अपने बंदों को क्या करूँगी, अबे चलो यार जो होगा देखा जाएगा, इन लोगों ने मेरे को रोका तो सीधा यहाँ पर भाई धमाका स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अपने पास ना पूरा टीम पड़ा है, और सबकी बैंड बजा दूंगा, बाकी तुम सब भी आ जाओ, हेलो भाई सब चलो सब मजे में। बाकी भाई सिक्योरिटी ना बहुत ज़्यादा है, मतलब भाई सिक्योरिटी छोड़ो गन तो देखो कितनी खतरनाक वाली है, बाकी अब भाई ये बंदा इतने चौड़ में चल रहा है भाई, थोड़ा तो रुक जाओ यार, वैसे देखो हमारे पास ना भाई की कार्ड वगैरह चेक करवाने के बाद ना साथ कोई दिक्कत होगा नहीं, बाकी चलो ठीक है अभी हम लोग इधर की तरफ आ चुके हैं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा अभी तक। वैसे गाइस देखो मैं भूल ही गया था भाई, अपने पास ना पूरा वॉल्ट का एक्सेस की कार्ड सब कुछ हम लोगों ने चोरी कर रखा है, और इनको क्या ही पता कि भाई फेस में मास्क लगा रखा है, इसके अंदर कौन ही है, तो भाई कोई दिक्कत होगा नहीं। बाकी भाई हम लोग ना यहाँ पर आ करके अपना ना की कार्ड स्वाइप करते हैं, और वैसे भी ना ये लोग ना की कार्ड स्वाइप करते हुए देख कर यही सोचेंगे ना कि हो सकता है हमारा बॉस हो। चलो भैया ठीक है,
बाकी वो बंदा भी कर चुका है और अबे ना भाई फटाफट इसको अनलॉक होने का वेट करते हैं। तो यार गज इस वक्त लफड़ा हो गया भाई, जिसका डरते ना वही हुआ है। तो ये बंदा भी ये बंदे लोग अभी कह रहे हैं कि पहले ना आपको जोकर वाला जो फेस लगा रखा है ना मास्क, वो पहले हटाना पड़ेगा और अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा, तभी आप सभी लोग अंदर जा सकते हो। मतलब गाइस ये बंदा कह रहा है कि अगर आप भले आप मेरे बॉस ही क्यों ना हो, आपको दिखाना पड़ेगा। अरे यार गाइस ये लोग ना कुछ ज़्यादा ही ना सिक्योरिटी, रुको यार इनको ख़त्म करना पड़ेगा, कोई और रास्ता है नहीं। फटाफट ना गन निकालते हैं और बंदे को ना सीधे हेडशॉट बजा देते हैं। तेरी ऐसे निकल निकल यहाँ से, निकल निकल यहाँ से। भाई रुको यार यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा तबाही मच चुकी है, पूरा शीशा वीशा टूट चुकी है। ओ भाई लेज़र गन चला रहे, भाई लेज़र गन से ना शीशा वीशा सबको टूटने लगा है। ओ भाई हेलो निकल लो यहाँ से, भाई यहाँ पर ना तबाही मच चुकी है। बट कोई ना फटाफट से ख़त्म करते, थोड़ा सा कवर लेते हैं। भाई रुको रुको रुको, वाल के पीछे कवर लेते हैं, बाकी तुम सभी मारो बे, लेट्स गो। बाकी गाइस एक ही सेकेंड, ये रहा एक बंदा, बाकी ना एक ही सेकेंड और कोई तो नहीं है ना। वैसे देखो मैंने काफ़ी सारे बंदों को यहाँ पर डाउन कर दिया है, फटाफट ना आगे चलते हैं। और वेट वेट कोई जिंदा है क्या तेरी ऐसे के तैसे, निकल यहाँ से। और एक सेकेंड ये भी गया, और इधर एक छुपा पड़ा है, लेट्स गो ये भी ख़त्म। भाई इस वक्त हम लोगों ने काफ़ी सारे बंदों को डाउन कर दिया। भाई इस वक्त ना पुलिस को इससे पहले ये लोग बुला रहे, फटाफट हमें अंदर जानी चाहिए और अपनी काम करनी चाहिए। वैसे देखो भैया ना फटाफट हम लोग ना लेशो को मतलब ना पहले हम लोग ना जाकर ना पूरा वॉल्ट अनलॉक करते हैं, उसके बाद लेशो को कॉल करके बोलेंगे कि हम लोगों ने वॉल्ट को अनलॉक कर लिया है। फटाफट से ना बंकर का जो टनल बनवाया है उसको ब्लास्ट करके सब सारे टीम के बंदों को अंदर भेजो, ताकि सारे पैसे वैसे ना बाहर निकाल सके। चलो भैया ठीक है, बाकी हम लोग सबके ना भगते भगते हम लोग आ चुके हैं। और भाई यहाँ पर ना पूरा ट्रेप वगैरह हो सकता है कहीं बिछाया हो, तो मुझे ना भाई थोड़ा सा ना बच के ही रहना चाहिए। और एक सेकेंड फटाफट ना इसको हमें तोड़ना पड़ेगा लगता है। भाई इसका अनलॉक करने का सिस्टम किधर है यार गज एक, ओ नहीं नहीं ये तो भाई साहब अनलॉक ही हो गया। बाकी वेट इधर की तरफ कोई नहीं है, भाई पूरा ना रास्ता क्लियर है। वैसे चलो ठीक है, पार्टी सार्टी चल रही ना भाई, और इतना अंदर हो सकता है किसी को रखते भी ना हो। फटाफट ना पहले हमें इसको ड्रिल करना पड़ेगा, लेट्स गो। फटाफट हम लोगों ने ये ड्रिल मशीन निकाल लिया है और अभी ना गाइस अपना काम स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद करते हैं भाई कि ये काम कर जाए, अदरवाइज ये वॉल्ट अगर हम लोग अनलॉक नहीं माना तो सीन बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है। ऑल राइट गाइस, तो एक साइड का तो ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन अभी ना भाई दूसरे साइड का भी हमें तोड़ना पड़ेगा लॉक वगैरह। और एक सेकेंड, चलो भैया ठीक है ये तो हो चुका है, बाकी भाई चलो भाई बाकी चलो ठीक है। अब ना भाई इस बंदे को मैंने दे दिया फटाफट, ना ये अपना काम कर रहा है दूसरी साइड तोड़ फोड़ करके, लेट्स गो। बाकी ये भी लग चुका है अपना बंदा, चलो ठीक है जब तक ना ये अनलॉक होता है तब तक हम लोग यहाँ पर इंतज़ार करते हैं। और भाई हम लोग ने यहाँ पर एक गलती कर चुके हैं, हमारे पास ना सिर्फ और सिर्फ एक ही बैग है जिसमें ड्रिल मशीन था वही लेकर आए हैं। यार गाइस हमें ना थोड़ा ना और चीज़ें लेकर आना था बैग वैग, ताकि गाइस मतलब ना यहाँ से सारा सामान वगैरह हम लोग उठा करके जा सके। चलो ठीक है, बाकी वेट अ सेकेंड जल्दी से कर ले भाई, इतना टाइम लगा रहा है बंदा। तो भाई ओ भाई ऑल राइट हो चुका है, और अभी ना फटाफट से इसको हम लोग अनलॉक करते हैं। चलो भैया ठीक है, बाकी ना कोई आ ना जाए हमारा काम होने से पहले। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली इस वक्त हम लोग आ चुके हैं वॉल्ट के अंदर, जहाँ पर भाई पूरा ना सामने की तरफ पैसे गोल्ड और ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हुई है ना भाई, मतलब ना इतने सारे ट्रोली भर के भाई क्या ही बोलूँ अब भाई। लेकिन अभी ना सबसे बड़ी लफड़ा ये है कि लेस्टर ने जो टनल बनवाया है, क्या पता ये सारी ट्रोली उसमें से क्रॉस करे, मतलब टनल से हम लोग मतलब यहाँ से हम लोग टनल के उस पार लेकर के जा सकते हैं या फिर नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन देखो अभी ना गाइज़र, और गाइज अभी ना जो भी करना है ना हमें जल्दी करना पड़ेगा। और भाई एक सेकेंड, यहाँ पर ना कुछ खाली बैग भी है, और अभी ना फटाफट इन बैग को उठाते हैं और पैसे लुटना शुरू करते हैं। ऑल राइट गाइज, तो फाइनली इस वक्त लेस्टर को मैंने कॉल करके कह दिया है कि मैं ना वॉल्ट वगैरह सब कुछ तोड़ फोड़ करके सारे सिक्योरिटी को मार करके वॉल्ट अनलॉक करके दरवाज़ा खोल के ना अंदर की तरफ मैं घुसूंगा हूँ, और अंदर भाई इतने सारे खजाने ना मैं क्या बोलूँ। फिर लेस्टर कह रहा है कि तुम ना ट्रॉली वाले आइटम्स को छोड़ दो, क्योंकि वो ना भाई वो सीधा ना ट्रॉली को ही अपने सारे टीममेट के थ्रू ना मतलब सारे बंदे जितने ना सबको घुड़काते हुए इसको मतलब चक्के वक्के लगे पड़े ना भाई, तो सीधा ना टनल के उस पार करने वाला है। तो ये तो भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ लेस्टर कह रहा है कि तुम ना फिर भी एक काम करो, बैग में जितना सामान आ सकता है उतना सामान डाल लो और तुम लोग वहाँ से निकल जाओ। वैसे देखो फटाफट से काम करते हैं, पहले का समय ना ये वाला, और वेट वेट एक काम करते हैं अपने सारे बंदे यहाँ पर लूट रहे ना, हम ना इस साइड में जो लगे पड़े ना इसको पहले हम लोग सारे चीज़ों को डालते अपने बैग में बैग पर, लेट्स गो फटाफट ना जितने भी कैश है। और भाई देखो इसमें ना ज़्यादा कैश नहीं है ना, तो इसको लेकर के जाने कोई फ़ायदा नहीं है ट्रॉली समेत, बाकी जहाँ पर जितने भी ट्रॉली भरे पड़े हैं ना कैश और गोल्ड से और डायमंड वगैरह भी कुछ कुछ में है,
तो उन सबको सीधा जिसमें ज्यादा सबको हम लोग ने भाई ट्रॉली समेत ना बंकर जो टनल बनाया है उससे हम लोग सीधा लेकर के जाएंगे। बाकी जो जिसमें बहुत कम चीजें ना उनको हम लोग बैग में डालने वाले हैं। बाकी चलो ठीक है, मेरे पास बैग अभी पूरा ना भरा पड़ा है और बैग ना काफी सारे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी किस्मत अच्छी है, बैग नहीं लाए थे, एक ही लाए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर ना बैग रखा हुआ था, अभी खाली भी और कुछ भरे पड़े भी। ठीक है, यह पूरा ट्रॉली मैंने खाली कर दी जिसमें ना भाई थोड़े बहुत कैश भरे हुए थे। बाकी अपने टीममेट भाई पूरे चारों तरफ से ना भाई लगे पड़े पूरे लूटने में। ठीक है, अबे ना भाई इनको भी लूटने देते हैं और डन है मेरा, ये एक तो भाई पूरा भर गया है, फटाफट काम करते हैं, दूसरी वाली ट्रॉली भी खाली कर ही देते लगे हाथ। और यहाँ पर ना भाई एक सूटकेस रखा हुआ है सामने, और मुझे ऐसा लगता है ना इस सूटकेस में 100% डायमंड होगा। वाओ वाह 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 भाई, इसको लेकर पक्का जाएंगे। लेकिन नहीं 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 भाई, हमें ना कुछ और भी करना है भाई। लेस्टर ने कहा है कि तुम्हें ना बस पुलिस वालों को डिस्ट्रैक्ट करना है जब तक हम लोग ना यहाँ से सारे ट्रॉली बाहर निकालेंगे। लेकिन ना पहले हम लोग ना यहाँ पर सभी चीज़ों को, सभी जितना भी छोटे छोटे ट्रॉली ना उन सबको गैप करते हैं और लेट्स गो। ये भी पूरे पैसे आराम से अपने बैग में आ जाएगा और अपने टीममेट भाई पूरे लगे पड़े भरने में। वैसे गाइस देखो, अगर ना पूरा डायमंड कैसीनो हम लोग चोरी कर लेंगे, इतने सारे कैश, इतने सारे गोल्ड है, तो भाई उसके बाद हमारे पीछे भाई किस हिसाब से पुलिस और मिलिट्री पीछे पड़ने वाले हैं भाई, कसम से सोच भी नहीं सकते भाई। क्योंकि देखो थोड़े बहुत पैसों का सवाल नहीं है भाई, पूरा कसिनो के अंदर वॉल्ट ही खाली करने वाले हैं, तो भाई सीन गड़बड़ होने वाला है। चलो भाई सब ठीक है, यहाँ पर भाई अपना काम तो हो चुका है, मतलब आधी ज़्यादा चीज़ें ना खाली हो चुकी है, और मतलब आधी ज़्यादा नहीं भाई, पूरा बचा हुआ है ट्रॉली। लेकिन अभी जो ट्रॉली से बाहर जो जितने भी चीज़ें ना वो सारी चोरी करनी है, जैसे कि यहाँ पर कुछ बहुत गोल्ड है, तो ये भी हम लोग गोल्ड भी अपने बैग में डाल लेते हैं। वैसे अपने टीममेट भी भाई डालने में लगे पड़े हैं, और यहाँ पर भाई इतने सारे गोल्ड है ना भाई, मतलब इन सभी को बेचने के बाद ना लॉस सैंटोस का बिलियनर का भाई ट्रिलियनर बन जाएगा भाई, कसम से। चलो भाई ठीक है, अब तो भाई ट्रिलियनर बनने का वक्त आ गया है, वैसे मुझे नहीं पता हम लोग बनेंगे भी कि नहीं। चलो भैया ठीक है, बाकी ना भाई यहाँ पर काफी सारे गोल्ड आ चुके अपने बैग में, और भाई देखो अभी ना बैग में और कितना आइटम्स अटने वाला है ये तो भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने 2 ट्रॉली का कैश और 1 ट्रॉली गोल्ड भर भर के डाल लिया है। और देखो बाहर क्या सीन चल रहा होगा ये तो भाई मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है ना कि पुलिस वालों को भाई अब तक पता चल चुका होगा कि हम लोग ना भाई यहाँ पर जोकर गैंग को लेकर आए हैं रॉबरी करने के लिए, और बाहर ना भाई चारों तरफ समय भाई मतलब बुरे तरीके से पकड़ा जाएगा। बाकी चलो ठीक है, तुम लोग भाई जल्दी जल्दी कर लो यार, इतना टाइम मत लगाओ भाई, प्लीज़ टाइम नहीं अपने पास। बाकी चलो ठीक है, फटाफट से गाइस हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर और एक ट्रॉली बचा पड़ा है तो वो भी हम लोग फटाफट से भर लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वैसे एक सेकंड यहाँ से ये, चलो ठीक है, अपने टीममेट ना भाई वहाँ पर वो ट्रॉली खाली कर रहे हैं, हम लोग ना इसको भी खाली कर लेते हैं, और ये यहाँ से अकेला लास्ट बचा पड़ा है। रुको यार गाइस, हमें ना इस साइड से उठानी चाहिए फटाफट, अभी हम लोग इनको भी सारे पैसे को उठाकर हम लोग डालते हैं। और अभी ना भाई लेस्टर से को एक बार हम लोग कॉल करते हैं कि तुम लोगों ने स्टिकियम डाल करके जो टनल था तुमने बनाया था उसको तोड़ा और अंदर घुसे या फिर नहीं। अब भाई देखो उनको यहाँ पर यहाँ तक पहुँचने में, वॉल्ट के अंदर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा ये तो मुझे नहीं पता, और क्या पता है तो सिक्योरिटी भरे पड़े हो, मुझे नहीं पता वापस से वो लोग आ सकते हैं। जितना जल्दी हो सके गाइस बैग भरते हैं और निकलते बस यहाँ से भाई। वैसे चलो गाइस ठीक है, अपने सारे बंदे यहाँ पर भाई कैश वैश को रखने में बिजी है, मतलब 3-4 ट्रॉली बचा हुआ है जो कि छोटा छोटा है जिसमें भाई कैश और गोल्ड पड़े, बाकी सारे बड़े ट्रॉली है जो कि गाइस हम लोग ना अंदर ऐसे मतलब बाहर ऐसे लेके जाएंगे ना टनल के थ्रू। बाकी चलो ठीक है, फटाफट से मैं काम करता हूँ। अब यार एक सेकंड, ये लॉक कैसे हो गया? हेलो यार रुको, मुझे लगता है ना इसको एक आधी लात, यार खुल गया भाई। चलो ठीक है, फटाफट से काम करते, थोड़ा सा ना भाई आगे चलते हैं। और अभी ना गाइस अपने सारे टीममेट वगैरह लगे पड़े भाई सारे चीज़ों को उठाने में, जब तक ना हम लोग थोड़ा ना भाई उधर की तरफ जाकर आते हैं। और भाई देखो लेस्टर ने मेरे को जो लोकेशन दिया है ना भाई, जहाँ पर उसने टनल कनेक्ट किया है वो यही आसपास जुड़ती है, लेकिन अभी तक ना भाई लेकिन गाइस अभी ना मुझे कहीं पर भी ना ऐसा कोई टनल ब्लास्ट हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ से वो लोग सारे के सारे आ सकते हैं। बाकी एक सेकंड, ये भी लॉक हो गया क्या? चलो ठीक है, मेरे पास भाई की कार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है लॉक भी हो जाए तो। बाकी एक सेकंड, यहाँ पर भाई कोई नहीं है यार, यही बहुत बड़ी बात है। फिलहाल यहाँ पर भाई सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब कुछ चेक करने वाले सारे यहाँ पर मरे पड़े, तो भाई कौन किसको बुला रहा है? वैसे हाँ एक काम कर सकते हैं गाइस, हम लोग ना यहाँ पर पूरा सीसीटीवी कैमरा तोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले भाई मुझे ना लेस्टर वेस्टर को भाई कॉल करना पड़ेगा। भाई तुम लोग जल्दी से आ जाओ यार, पुलिस आ जाएगी, आर्मी आ जाएगी पूरी लॉस सैंटोस के, तब आओगे क्या? रुको यार फटाफट कॉल करते हैं। वैसे जरूर ठीक है, लेस्टर से तो बात हो चुकी है, वो कह रहे कि बस ना 2 मिनट के अंदर ना वो लोग ब्लास्ट करके आते होंगे। ओ एक सेकेंड भाई, कहाँ क्या फटी? हेलो भाई, कहीं पुलिस की सिक्योरिटी तो नहीं आ गई ना भाई? मुझे नहीं पता, हो सकता है कहीं गेट वेट ओपन करके, वैसे साउंड ना भाई मुझे यहाँ से आई थी, इधर क्या हो सकता है थोड़ा? ओह हेलो भाई, ये क्या है? मुझे लगता है जो टनल है वो इधर से कनेक्ट किया है लेस्टर ने। और एक सेकेंड भाई, उस साइड की तरफ देखो, अपने सारे बंदे खड़े हैं, एक बुढ़ा, और ये बुढ़ा भी है जिससे भाई हम लोगों ने दोस्ती करी थी, और भाई सब इसके साथ साथ ना
यहाँ पर लेस्टर की हैकर लेस्टर और बाकी अपने सारे टीममेट यहाँ पर है। ओ भाई साहब, अब भाई देखो यहाँ पर ना मुझे लगता है एक आधी बार और फोड़नी पड़ेगी बॉम्ब, ताकि गाइस जो ट्रॉली है ना वो इससे उस पार जा सके। ऑल राइट गाइस, तो इस वक्त ना भाई लेस्टर ना अंदर की तरफ घुस चुका है और ये मेरे को कह रहा है कि तुम लोग ना एक काम करो, हम लोग अपना काम कर लेंगे, तुम लोग ना पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करो। मतलब ये कह रहा है कि पुलिस ना बाहर की तरफ आ चुकी है और सीन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है अगर वो यहाँ पर आ गया तो, और इस टनल के बारे में पता कर लिया तो ये कह रहा है कि तुम लोग एक काम करो, बाहर ना तुम्हारी वाली व्हीकल खड़ी है जिसको लास्ट टाइम तुमने चोरी करी थी, जिसमें डबल वेपन थी, तो तुम फटाफट से जाओ व्हीकल में बैठो और पुलिस वालों को डिस्ट्रैक्ट करो, तुम सारे टीम मिल करके जो अपने जोकर गैंग है उनके साथ। बाकी भाई यहाँ पर ना 7-8 बंदे अपने हैं जो कि सारी ट्रॉली को यहाँ से ला करके ना ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है टूटा फूटा सा वॉल, इससे उस पार ले आकर ना भाई छुपाने वाले। चलो ठीक है, लिस्ट जो कह रहा है वही कहते हैं, बाकी अपने सारे टीममेट को ना जाकर बुलाते हैं और जो भी हम लोगों ने भाई बैग में कैश वैश लूटा है उसी को लेकर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। वैसे एक ही सेकेंड, लिस्ट को भी मैं ना की कार्ड वगैरह सब कुछ दे दूंगा ताकि गाइज वो ना आराम से अगर लॉक हो जाए तो इसको अनलॉक कर सके। ओके, ये अनलॉक्ड है और मेरे ख्याल से हमेशा अनलॉक्ड ही रहेगा जब तक हम लोग लॉक ना करें। फटाफट चलते गाइज और अपने टीममेट को बुला कर लाते हैं। ऑल राइट गाइज, तो अभी ना भाई अपना काम हो चुका है, यहाँ पर ना जितने भी छोटे मोटे ट्रोली थे सभी को लूट लिया और सारे पैसे बैग में हम चारों ने डाल लिया है, जिसमें भाई बहुत पैसे, भाई गोल्ड बहुत है, बहुत कैश है, तो सोचो मैं तभी ना भाई हमारे पास ना बहुत पैसे भाई, मतलब चारों बैग मिला दे तो। लेकिन ना ये सारे जितने भी ट्रोली है ना सारे टनल से उस साइड जाने वाली है जो कि लेस्टर के सारे टीममेट करने वाले हैं। बाकी है मैं बाकी ना लेस्टर ने जो लेस्टर ने हमें बोला है कि तुम ना पुलिस वालों को डिस्ट्रैक्ट करो और ऐसा कर दो ना कि तुम्हारे पीछे ना सारे लॉस एंड टोस और पलीटो और हर एक जगह के पुलिस वाले आर्मी वाले ना तुम्हारे पीछे पड़ जाए, तुम्हें पकड़ने में लगे और हम लोग इधर ना सारा मतलब वॉल्ट खाली कर दे जितने भी गोल्ड पैसे डायमंड है। चलो भैया ठीक है, बाकी अपने सारे टीममेट आ रहे हैं और हमें ना भाई जल्दी से ना लॉबी से बाहर निकलना है और भाई यहाँ से हम लोग निकलते हैं जहाँ पर अपनी गाड़ी रखी हुई है, फटाफट चलते हैं लोकेशन पर। वैसे गाइस देखो अभी ना भाई लोबी तक ही जाने में भाई बहुत टाइम लगने वाला है भाई, क्योंकि देखो ये जो कसिनो है ना भाई इतना बड़ा है भाई पूछो ही मत। और एक सेकेंड, अभी ना जहाँ तक मुझे आइडिया है मैं इधर से ना नीचे आया था, तो अभी ना भाई फटाफट से ऊपर चलते हैं। और एक सेकेंड, एक आधी बार और ऊपर चढ़ना पड़ेगा मेरे को भाई, कितना लंबा स्टेयर्स है। ऑल राइट, तो फाइनली यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, बाकी ना भाई फटाफट यहाँ से निकलते हैं। भाई देखो इधर ना किसी को कुछ भी पता नहीं चला है हम लोग भाई यहाँ पर ना क्या कुछ कांड करके निकल रहे हैं। वैसे फिर भी ना पता चल चुकी होगी, हो सकता है ये बंदा यहाँ पर सीसीटीवी चेक कर रहा है, मुझे ना भाई इसको उड़ाना चाहिए इलेक्ट्रो, ये खत्म। बाकी एक सेकंड गाइस, साइंस है ना उन लोगों का ना साउंड वाउंड गया नहीं है भाई, मतलब इनको इसको मैंने मारा तो चलो कोई ना, फटाफट ना एक गाड़ी जोरदार धमाका करते हैं इलेक्ट्रो, पूरा यहाँ पर ना ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है जितना भी सीसीटीवी अपना फुटेज वगैरह था। बाकी अभी ना हमें यहाँ से निकलना चाहिए जितना जल्दी हो सके, और ये लॉबी किधर होगा यार, मुझे ना ढूंढना पड़ेगा भाई बाहर निकलने का रास्ता। बाकी चलो ठीक है, अपने सारे टीममेट किधर गए मुझे नहीं पता। वेट, साइंस से अबे ये भी लॉक्ड है, साइंस से ये ओपन है, लेट्स गो फटाफट यहाँ से बाहर निकलते हैं। और साइंस से ये बाहर निकाल देगा क्या? नहीं, लेकिन हमें ना गाइस इधर से ही बाहर की तरफ निकलना है। चलो ठीक है, अब जहाँ तक मुझे याद है मैं ना इसी साइड से अंदर की तरफ घुसा था, तो यहीं से बाहर भी निकलना चाहिए, लेट्स गो फटाफट चलते हैं। बाकी यहाँ पर भाई जो बंदे थे ना सारे यहाँ से निकल चुके हैं, और अपने सारे बंदे किधर गए भाई मुझे नहीं पता। और ये ओपन होगा, चलो ये ओपन हो चुका है, लेकिन भाई इधर ना कोई रास्ता ही नहीं है। अरे यार गाइज मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ यार, मुझे जितना जल्दी हो सके ना मुझे यहाँ से निकलना है। और एक सेकेंड, यहाँ पर भाई एक जगह है जहाँ से साइंस से मैं बाहर निकल सकता हूँ, लेट्स गो फटाफट गाइज बाहर चलते हैं। और अभी अपने टीममेट वगैरह कब तक आएंगे मुझे नहीं पता। वैसे चलो ठीक है, इधर ना भाई हम लोगों ने काफ़ी सारे, एक सेकेंड यहाँ पर भाई पुलिस वाले आ चुके हैं। और एक सेकेंड, ये ना अपनी वाली गाड़ी जो कि लास्ट टाइम लोगों ने भाई गैंग वाले चोरी किया था कसीनो हाइस्ट करके भागने के लिए, लेट्स गो फटाफट गाइज सारे के सारे बैठ जाओ और यहाँ से गाइज हम लोग निकलते हैं जितना जल्दी हो सके। ये बैठो भाई जल्दी, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। चलो भैया ठीक है, ये बंदा यहाँ पर ब्लास्ट करने में लग चुका है और भाई यहाँ पर सभी को ना खत्म करने वाला है। वैसे भाई यहाँ पर ना सारे के सारे बंदे ना भाग चुके, तो हम भी यहाँ से निकलते हैं। वैसे वेट, मैं गलत रास्ते जा रहा हूँ भाई, इधर ना नहीं जाना अपने को, इधर जाएंगे तो भाई हम लोग बुरे वाले फंसेंगे। बाकी यार तुम लोग ना जितना जल्दी हो सके ना सभी को ख़त्म करने में लग जाओ, लेट्स गो। पहले यहाँ से बाहर निकल चुके हैं और अभी ना गाइस हम लोग इधर पुलिस वालों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम लोग ना चोरी करके भाग रहे हैं, लेकिन भाई असल काम तो लेस्टर और लेस्टर की टीम कर रही है जो कि टनल के अंदर से ना सारा सामान निकालने वाली है। बाकी भाई साहब देख रहे हो यार क्या ब्लास्टिंग चलती है। रुको रुको, इधर कुछ बंदे, अबे मारो बे भाई। एक सेकेंड, साथ से आगे वाले वेपन काम नहीं कर रहा है। अरे यार क्या कर रहे हो भाई, मार भाई प्लीज़ मार। चलो कोई ना गाइस फटाफट ना यहाँ से हम लोग जितना जल्दी हो सके निकलते हैं भाई।
चलो यार गाइस ठीक है, मेरा भगते वक्त काफी दूर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर भाई तबाही पे तबाही मची जा रही है भाई। मतलब ना दोनों के दोनों गाड़ियाँ चल रही है और मतलब सॉरी दोनों के दोनों वेपन एक साथ चल रही है, कुछ ब्लास्टिंग हो रही है और भाई यहाँ पर देख रहे हो क्या तबाही मची जा रही है। चलो ठीक है फटाफट हम लोग यहाँ से निकलते हैं भाई, आगे जो भी है ना सब ब्लास्ट होने वाला है। और एक सेकेंड अबे ना गाइस, जब तक ना लेस्टर और उसकी टीम ना जितने भी वॉल्ट में ट्रॉली भर भर के पैसे गोल्ड डायमंड रखे हुए उनको जब तक वो लोग बाहर नहीं निकाल लेते ना तब तक गाइस हमें भगाना पड़ेगा अपने इस वाले गाड़ी को और पुलिस वालों को भाई तड़प मतलब बस ना बचते रहना भाई इनसे। मैंने बस इनके यही चाहिए ना कि ये लोग हमारा पीछा करते रहे, बाकी एक सेकेंड इनको ना एक जोरदार टक्कर बजाते हैं। चलो ठीक है बहुत सही, नहीं 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 अरे गाड़ी ना फंस जाए भाई, बहुत सीन हो जाएगा वरना। वैसे देखो मोटे मोटे टायर है कहीं से भी निकल जाएगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई इस वक्त ना बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है भाई, मतलब हद से ज़्यादा तबाही हो चुकी है, क्या ही बोलूँ मैं। बट कोई ना हम लोग निकलते हैं। अरे यार रुको यार, अभी ना मुझे ना वेपन वगैरह चलाना पड़ेगा भाई, अपने बंदे को बोलता हूँ कि तू ना भाई ड्राइविंग कर, मैं संभालता हूँ इन बंदों को, रुक जाओ थोड़ा ना भाई, इनको ख़त्म कर लेते उसके बाद हम बैठते हैं भाई ड्राइविंग सीट पे, मतलब सॉरी वेपन वाले सीट पर। और एक सेकंड ये देखो कैसे ना पूरा रोड ब्लॉक कर रखा है, लेकिन भाई सब अपने बंदों ने भाई बैंड बजा दिए। चलो यार गाइस ठीक है, फाइनली इस वक्त ना मैंने पूरा ड्राइविंग सीट ले लिया है और अभी देखो मैं कैसा तबाही मचाता हूँ। मैंने अपने मतलब टीममेट वाले बंदे को बोल दिया है कि तुम ना भाई ड्राइविंग करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इनको भजाया कैसे जाता है। लेट्स गो, पूरा रास्ता मैं क्लियर करते हुए जाऊँगा। और रास्ता क्लियर करो, हटो रास्ते से, हटो जल्दी वहाँ से हटो। चलो भैया ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर ना मरे जा रहे हैं, बाकी अपने बंदा एक पीछे जो कि ग्रेनेड लॉन्चर से भाई सबको ब्लास्ट कर रहा है और एक मैं भाई सब यहाँ पर ना ओ हो आराम से भाई हम ना मर जाए भाई कहीं इनको मारने के चक्कर में, वैसे ऐसा होगा नहीं। बाकी ठीक है ये आ रहा है भाई, निकल ले प्लीज़ निकल ले यहाँ से, पहले फुर्सत में निकलो, निकल पहले फुर्सत में भाई। भाई रुको, हेलीकॉप्टर वाले बंदे को तो मैं भूल ही गया भाई, इससे तो मेरा पर्सनल खुदनस है, इसको बताऊंगा मैं। बहुत इसको ना लोकेशन वगैरह देने का शौक होता है भाई, मुँह के बल गिरा है साला, नमूना कहीं का। निकल जाए यहाँ से, जल्दी वहाँ से हटो, लेट्स गो भाई। गया। अबे भाई मैं ना गिर जाऊँ कहीं इनके, अबे लो भाई आके सीधा टक्कर बजाया भाई, बंदे ने ग्रेनेड ही डाल दी भाई। चलो कोई ना, बाकी एक सेकेंड ये रहा बंदे कुछ फटाफट इनकी गाड़ी ब्लास्ट करते गया, ये भी खत्म। चलो भैया तुमको ना भाई कोई दिक्कत होने नहीं वाला भाई, पूरा ना रास्ता हम लोग क्लियर करते हुए जाएंगे। और एक बार ना भाई लेस्टर से मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ कि क्या उसने मतलब एक सेकेंड रुको फोन साइड में रखो, पहले इनको ख़त्म करते हैं। लेट्स गो बेटा। चलो भाई सब ठीक है, बात तो हो गई है लेस्टर से, तो वो कह रहा है ना कि बस ना और 5 मिनट लगेगा, पूरा मतलब 2-4 ट्रॉली और बचे पड़े जो कि वॉल्ट से बाहर निकाल करके टैल में छुपाना है। चलो कोई ना गाइस, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की बात है, उसके बाद ना इन पुलिस वालों से हम लोग छुपने में रहेंगे। अभी हम लोगों ने इनको डिस्ट्रैक्ट करके ना अपने पीछे लगा रखे हैं ताकि गाइस ये लोग ना एक सेकेंड निकल पहले फुर्सत में निकल, जल्दी वहाँ से हटो, जल्दी निकल तू भी निकल। भाई साहब इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन है भाई, ये गाड़ी पूरा ना डिस्ट्रॉय करके रख देता है चीज़ों को। कोई ना सारे मर रहे हैं, अब भाई गलती हमारी थोड़ी है भाई, इन लोगों को आने कौन बोल रहा है भाई हमारे पीछे। अब देखो जोकर वाला सर्कल हम लोग बनाने लगते ना तो सीन अपने साथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती थी। चलो कोई ना गाइस, फटाफट से हम लोग निकलते हैं जितना जल्दी हो सके, पूरा रोड वगैरह क्लियर करते करते और बस के निकलते हैं पहले इन पुलिस वालों से। चलो यार गाइस ठीक है, इधर ना भाई तबाही मच चुकी है भाई, मतलब ना तबाही बोलो तो तबाही मच चुकी है, ये देखो पूरा डिस्ट्रॉय करके रख दिया हम लोगों ने। चलो ठीक है अब तो भाई कोई, अबे यार ये पलीटो वाले पुलिस वाले भाई अभी ना लॉस सैंटोस वाले नहीं आ रहे भाई, पलीटो वाले आ रहे हैं और क्या पता लॉस सैंटोस वाले पुलिस वाले पहुंच चुके होंगे डायमंड कैसीनो पर, लेकिन उनको पता चलेगा तब ना भाई वहां पर लेस्टर टर्नर खोद के ना सारा चीज़ें ले जाने में लगा पड़ा है और हम लोग भाई इनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिलहाल इनको पता नहीं चलेगा। बाकी यहां पर एलिस डिपार्टमेंट वाले पुलिस ऑफिसर भी आ चुके हैं, ये देखो ये आ रहा है, निकल साले नल्ले। ऑल राइट ये भी खत्म। चलो भाई सब ठीक है, अब ना भाई ज़्यादा देर तक हम लोग बच नहीं सकते भाई, क्योंकि देखो जितना भी ग्रेनेड लॉन्चर था ना भाई सब बंदे ने यूज़ कर लिया और अब भाई सिर्फ और सिर्फ कुछ एमओ बचे पड़े हैं जो कि पता नहीं कब तक चलेगा और भाई कब तक टिकेगा, लेकिन अभी हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। बाकी निकलो जल्दी यहाँ से निकलो, रुको। बाकी ना अभी भाई आधी ज़्यादा पुलिस ऑफिसर की पॉपुलेशन हम लोगों ने भाई लॉस सैंटोस से ख़त्म ही कर दिया बोल सकते हो। चलो ठीक है अपने बंदे को ना लग जाए, थोड़ा संभल कर चलाना पड़ेगा मेरे को, पीछे और आगे दोनों ध्यान देना है क्योंकि भाई बंदे का ना वो ख़त्म हो गया। बाकी एक्शन फ्यूल ख़त्म हो गया क्या, पहले दो चल भाई जल्दी से, भाई लोगों ने बहुत ज़्यादा वार किया ना गाड़ी पर, क्या पता
कुछ सीन ना हो गया वो गाड़ी के साथ। यार ये बंदा ना फालतू की कोशिश किए जा रहा है, ग्रेनेड निकल नहीं रहा था भाई, चुपचाप सामने बैठना, निकल यहाँ से भाई, पूरा ना रोड वोड ब्लॉक कर रखा है सालों ने। चलो कोई ना, बाकी वेट ए सेकेंड थोड़ा सा, अबे यार रुको रुको रुको, इनको फालतू मार रहा हूँ, जल्दी से काम करते हैं यहाँ से भाई, जितना स्पीड हो सके भाई भगा ले यार प्लीज। बाकी ना एक और बार लेफ्ट से कॉल करके पूछता भाई, देखो 5 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, क्या पता वो लोग ना टनल पूरा खाली कर चुके हैं, टनल नहीं पूरा कसिनो खाली कर चुके हैं और सारा सामान भाई बचा चुके हैं। अबे निकलो यहाँ से, अरे यार अपनी गाड़ी फंस गई। चलो यार गाइस ठीक है, जना 2-4 बंदे और आ रहे हैं नमूने, इनको पहले ख़त्म करते हैं। और ये गया बाकी भाई साहब अपना बंदा, भाई साहब सही से ड्राइविंग नहीं कर पा रहा भाई, चारों तरफ से ना बंदे आ करके घेर चुके अपने को और अभी हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो भाई बंदा काफ़ी होशियार है भाई, सीधा ना वो मतलब बड़े बड़े टायर होने का फ़ायदा उठाया है, सीधा ही जंप करा दिया है। चलो ठीक है, थोड़ा आराम आराम से, आराम आराम से भाई, अपनी ना एक्सीडेंट ना हो जाए। चलो यार चढ़ा ले भाई, ये काम नहीं कर रहा क्या? हेलो भाई जोर लगा भाई, प्लीज़ जोर लगा ले भाई, अपनी ऐसी तैसी हो जाएगी आज, वरना रोबरी करना भाई सारा अकल ठिकाने आ जाएगी। रुक जाओ यार, सालों को समझ नहीं आ रहा मरने के लिए क्यों आ रहे हो भाई तुम लोग, निकलना भाई 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 भाई। वैसे यार एक सेकेंड, अभी मुझे याद आया कि यहाँ पर बैग में ना काफ़ी सारे ग्रेनेड के ना एमओ भरे पड़े हैं और अपने भी गन के एमओ भरे पड़े, तो हम लोग ना भाई कहीं पर रुक करना लोड कर सकते हैं, लेकिन रुकने के लिए ना टाइम नहीं है। चलो भैया ठीक है भाई, अपना बंदा ना पागल हो गया भाई, ये ना सीधा ऑफ रोडिंग करना चाह रहा है, लेकिन ये गाड़ी भाई चढ़ा नहीं पा रहा ऊपर। चलो कोई ना भाई, ऑफ रोडिंग करना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन अभी हम लोग आ चुके हैं भाई जंगलों में, और जंगलों में इसलिए ताकि भाई हम लोग ना इन सबसे अब बच सके। अब भाई देखो यहीं पर भागेंगे ना तो यहीं पर सेफ रह सकते हैं, अदरवाइज हम लोग भाई जिंदा नहीं बचेंगे आज। और ये बंदा भाई अब लगता है पागल हो गया है भाई, ये ना बहुत ज़्यादा घबरा गया भाई, इसको लग रहा होगा भाई अगर पकड़े गए ना तो हमेशा हमेशा जेल में रहना पड़ेगा। यार रुको अब ना भाई, मेरे को ही चलाना पड़ेगा, कोई और रास्ता है नहीं। बाकी चलो ठीक है, फटाफट यहाँ से निकलते, एक ऑफिसर पुलिस वाला ये लोकेशन दे रहा है, इसको पहले ब्लास्ट करते हैं, खत्म है बेटा। अब जंगलों मेरा भाई हेलीकॉप्टर तो कम से कम नहीं आ सकते भाई, पेड़ वेड़ के चक्कर में टक्कर वक्कर ना हो जाए, इसलिए वो लोग आएंगे नहीं। तो अब हमारे पास सिंपल सा रास्ता है यहाँ से निकलने का, बाकी मैं ना गन निकाल लेता हूँ, अगर कोई आ भी रहा हो ना तो सबकी बैंड बजा देंगे। बाकी वेट वेट, अबे नहीं यार तुम यार पागल की तरह चला रहे हो यार, ऐसे ना करो भाई, मरना नहीं अपने को भाई, इतने सारे पैसे आए हैं भाई, अय्यासी करेंगे उसके बाद ही मरेंगे। अरे नहीं लो, कहाँ खुद आ गया भाई, कहाँ खुद आ गया, ये ले, वाह 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 भाई, तेरे को ना 2-4 रेपड़ बजाऊँ क्या बोलो? लेकिन नहीं यार, बेचारों ने भाई बहुत हेल्प करी है और कम से कम हिम्मत तो करी ना भाई यहाँ पर चलाने का। चलो ठीक है, फटाफट से गाइस हम लोग चलाते भाई, अपने बंदे बैठ चुके, तुम लोग ही बैठो यार, तुम लोग से ना होगा नहीं, ये पैरासूट लेकर के सीधा कूद ही गया था बंदा। चलो कोई ना, बाकी पुलिस वाले ना भाई ढूंढने में लगे पड़े, इनको क्या पता कि हम लोग ना भाई यहाँ पर जंप करा करके कहीं और ही आ गए। भाई तुम पागल हो क्या, लो ऊपर दिखाने दे रहा, गन में बैठना भाई, लो यार कैसे नमूने भाई लिस्टन ने ढूंढा यार। चलो भैया ठीक है, फाइनली आ करके बंदा बैठा है और अब मैं शांति से कम से कम गाड़ी ड्राइव कर सकता हूँ। और गाइस सबसे बढ़िया बात ये है ना कि बंदे ने यहाँ पर जंप करा करके भाई बहुत सही किया, पुलिस वाले कंफ्यूज हो चुके हैं कि अचानक से हम लोग गायब कहाँ हो गए और ऊपर बस सायरन बजा रहे हैं। अगर गाइस हम लोग एक काम करें ना, अगर पेड़ के पीछे अगर छुपे रहें ना तो शायद से वो हमें देख भी ना सके ऊपर से। हाँ हाँ ये बढ़िया रहेगा, बाकी लेट्स गो, बस ये जगह काफ़ी बढ़िया रहेगा, यहाँ पर ना ब्रेक लगाते। अबे नहीं यार प्लीज़ यार नीचे मत जा भाई, प्लीज़ नीचे मत जा। चलो भैया ठीक है, ब्रेक दबा कर रखना पड़ेगा अदरवाइज ये नीचे गुड़क सकती है। लेकिन गाइस इस वक्त ना सायरन तो सुनाई दे रहा है लेकिन पुलिस वाले कहीं दूर दूर तक मेरे को ना अभी तक देखे नहीं है। बाकी चलो गाइस ठीक है, पुलिस वालों से भगते भगते भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब ना देख रहे हो 4 बज चुका है। फटाफट से ना लेट्स से एक बार बात करते हैं। तो भैया इस वक्त ना हो चुका है हमारा काम, मतलब कि पूरा डायमंड कैसीनो को वॉल्ट लेस्टर और लुस्टलर के टीम ने सारा ट्रॉली डायमंड कैश और गोल्ड सब कुछ भाई साफ करके ना अपने टनल में छुपा दिया है। और ऊपर से भाई जो टनल ना स्टिकी बम से ब्लास्ट किया था उसको भाई साहब सही तरीके से बनवा भी दिया है ताकि किसी को ना शक ना जाए कि टनल खोद करना कोई अंदर घुसा था और सारा कुछ साफ कर दिया है। तो चलो गाइस फटाफट से काम करते हैं, गाड़ी फंस चुकी है और मैं हमेशा कुछ गड़बड़ कर ही देता हूँ भाई। अब ना इतना खतरनाक सी जगह है भाई, ये चढ़ पाएगी कि नहीं यार। गाइज रुको यार, ये तो बहुत ज़्यादा गलत फंसा हूँ मैं, लेकिन एक सेकेंड, अरे डरो मत भाई, कुछ नहीं होगा। अबे यार तुम लोग उतर क्यों रहे हो भाई, पागल है भाई कसम से, ये लोग उतरते नहीं ना, मैं आराम से क्रॉस करवा दिया ना आखिरकार। चलो भले ही मैं गंदी हालत करवा दी गाड़ी की, लेकिन गाड़ी सेफ है भाई। चलो भाई तुम लोग फटाफट से आकर के बैठो भाई, क्या कर रहे हो यार। चलो यार गाइस ठीक है, फाइनली बंदे लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अभी ना फटाफट इनको बिठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। बाकी एक सेकेंड, अबे तू ऊपर क्यों चढ़ रहा है भाई, इधर पैसेंजर वाले सीट खाली है।
भाई इनका ना दिमाग कसम से पागल हो गया भाई। इन लोगों ने आज से पहले ना कभी भी ना इतनी खतरनाक हाइस्ट या फिर पुलिस वालों से सामना नहीं किया था, इसलिए ना ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा चुके हैं, इनके हाथ पैर कांप रहे होंगे भाई, इसलिए ना इनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा। चलो चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और लेफ्ट ने अपना काम कर दिया है तो फटाफट ना गाइस इनको हम लोग आर्केड में छोड़ करके। अरे नहीं लो भाई, मैं कहीं भी जंप करा रहा हूँ भाई, मतलब ना मैं भी पैसे पैसे आने की खुशी में ना पागल से हो गया हूँ, गलती मेरी है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, ऑफ रोडिंग व्हीकल है तो भाई कहीं भी घुस जाएगी। चलो 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 ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं 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 आराम से आराम से। बाकी चलो गाइस ठीक है, फटाफट से भी भगाते हैं गाड़ी को और सीधा हम लोग निकलते हैं टनल पर और जाकर अपने सारे जितने भी गोल्ड और जितने भी चीज़ें हैं ना भाई सबको देख कर आते हैं कि सब कुछ सही सलामत है या फिर नहीं। चलो गाइस सारा काम निपटा करके मैं भाई शॉर्टकट लेता लेता पहुँच चुका हूँ लेशर के दिए गए वापस से लोकेशन पर। और भाई साहब इस वक्त का सीन इधर क्या होने वाला है मुझे नहीं पता भाई, पुलिस वालों से मेरे को थोड़ा बचना पड़ेगा। अब भाई देखो अगर उन लोगों ने मेरे को ना यहाँ पर वापस से देखा तो सीन हो सकते हो कि डायमंड का सीन इधर सामने है और हम लोगों ने जो टनल बनाया था वो भी सामने है, तो मुझे गाइस एक काम करनी चाहिए, हम लोग ना गाड़ी को कहीं छुपा देंगे और ऐसी जगह छुपाएंगे ना जहाँ पर भाई रुको यार पुलिस वाले ना देख सके, तो यहाँ पर रोड वगैरह पे तो कहीं भी छुपा नहीं सकते। एक काम करते थोड़ा सा ना यहाँ से दूर चलते, अरे यार क्या देख के मैं चला रहा हूँ यार पागलों की तरह। चलो कोई ना गाइस, वैसे ये गली पे छुपाते तो भाई ज़्यादा बेटर होता, लेकिन फिर भी रिस्क है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। फटाफट से काम करते हैं, ये जगह भी बिल्कुल भी सही नहीं है छुपाने के लिए। यार अभी काम कर सकते हैं ना, सीधा हम लोग ना नीचे ही कूदा दे क्या, हाँ ये ज़्यादा सही रहेगा भाई, अगर हम लोग ऐसे छुपाएंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी गाइस यार एक ही सेकेंड, हम लोग ना यहाँ पर पहुँच तो चुके हैं लेकिन अरे यार रुको रुको इधर ना भाई, पूरा डायमंड कैसीनो है और क्या पता पुलिस वाले देख ले, यहाँ से हम लोग सीधा ना नीचे उतार सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये लोग है कौन? एक सेकेंड गाइस इधर चल क्या रहा है, फटाफट ना पहले हम लोग बाहर निकलते, तुम लोग भाई बैठे रहो, कोई यहाँ पर ना किसी को पता ना चले कि हम लोग यहाँ पर भाई स्पाई कर रहे हैं किसी पर। और एक सेकेंड, हेलो भैया ये सब क्या चल रहा है भाई हमारे टनल के बीच में, ये अंडर वाटर माफिया और इसके साथ साथ भाई इतने सारे ब्लैक ऑप्स कमांडो भाई आकर के मस्ती कर रहे हैं यार, ऐसा क्यों? और इधर ना भाई कुछ गाड़ियाँ भी है और इधर भी कुछ बंदे बंदे जो कि भाई, एक सेकेंड भाई कहीं ये लोग ना लेशर को और बाकी टीममेट को भाई सभी गोल्ड वगैरह लेकर के बाहर निकलने का इंतज़ार तो नहीं कर रहे ना भाई, इनको लगा होगा कि रोबरी भाई इनको करने देते हैं, जब ये लोग रोबरी कर लेंगे उसके बाद हम लोग इनसे चोरी कर ले इनसे चोरी कर लेंगे तेरी ऐसी के तैसी, रुक जा बेटे आ रहा हूँ गाड़ी घुमा के मैं आ रहा हूँ तेरे पास, ऐसा कुछ लूँगा ना कि ज़िंदगी भर भूलेगा नहीं। बाकी चलो गाइस इधर ना सीन हो रखा है और अभी ना भाई फटाफट से काम करनी चाहिए, मुझे गाड़ी में बैठनी चाहिए वरना भाई इससे पहले कि लोग मेरे को देख लेना तो भाई सीन हो जाएगा। वैसे देखो डरने की बात नहीं, इतने सारे पुलिस वालों को हम लोग धोकर आ रहे हैं तो भाई ये लोग तो भाई है ही कोई नहीं। चलो ठीक है, अबे यार तुम यार जल्दी से ऊपर चढ़ के बैठ जाओ ना भाई, क्यों परेशान करते हो मेरे को, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रखी है। और रुको यार मैं ना फटाफट से ना पहले मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ लेशर को कि यार वो लोग ना बाहर ना निकले, वैसे ट्रेवर फ्रैंकलिन भी उसके साथ है तो भाई घंटा कुछ होने नहीं वाला, फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ट्रेवर अकेला संभाल लगे इन सब नमूनों को। लेकिन फिर भी गाइज हम लोग ना कॉल करके बता देते हैं कि सीन क्या चल रहा है। वैसे यार गाइज एक सेकेंड, सामने ना मेरे को नीचे गाड़ी को उतारने के लिए ना जगह मिल चुका है, और एक सेकेंड यहाँ से हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, बाकी तुम लोग भाई साइड हट जाओ, मुझे यहाँ से गाड़ी घुमानी है और नीचे की तरफ जानी है। और अरे यार नहीं 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 नीचे तो चली जाएगी भाई, इधर से नीचे चली जाएगी, बाकी ना गाइज अभी हम लोग कुछ चलने वाले सीधा उनको। और एक ही सेकेंड थोड़ा सा, अरे यार मैंने ना गाइज एक और गलती कर दी है भाई, मैंने ना सारा काम निपट गया ये सोच करना अपने सारे आर्मर और जितने भी चीज़ें पहन रखा था सबको निकाल करके फेंक दिया, क्योंकि भाई अरे यार ये गलती कर दी मैंने। और अभी ना भाई सिर्फ और सिर्फ कच्चे बनियानों में इधर आ रखा हूँ इनको ख़त्म करने के लिए। बाकी थोड़ा ध्यान से वो लोग किधर की तरफ है, मेरे को ना भाई थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा और इन सबको एक साथ जा करके कुचलना है। लेट्स गो 3 2 1 अंडर वाटर माफिया कुचलनी चाहिए तेरी ऐसे के तैसे, निकलो यहाँ से भाई 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 भाई। चलो गाइस अभी हम लोगों ने इनको क्या कुचला है, लेकिन गाइस यहाँ पर अगर हम लोग अपनी वाली गाड़ी को जंप कराते हैं ना सीन हो सकता है। फटाफट तुम सब के सब बाहर निकलो और इनकी बैंड बजाना शुरू कर दो। एक ही सेकंड तेरी ऐसे के तैसे निकल यहाँ से भाई, यहाँ पर बंदे बंदे कितने सारे आने लगे। चलो कोई ना अपने बंदे बंदे सबको संभाल लेंगे, रुक जाओ फटाफट से एक सेकंड, ये रहेगा नमूना तेरी ऐसे के तैसे। फटाफट गाइस हम लोग स्नाइपर निकालते हैं और एक करके ना सबके बचाते हैं भाई, इनके ना सारी चालें मुझे समझ आ चुके, ये लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे ताकि भाई सब हमारी चीज़ों को चोरी कर सके। बट कोई ना अपने टीम के बंदे बहुत पावरफुल है और ये लोग ना इनकी बैंड तो भाई चुटकियों में बजा देंगे। चलो ठीक है गाइस एक सेकंड भाई, ये नमूना यहाँ पर
जिंदा बच गया भाई साहब, कुचला मैंने, कोई मरा नहीं, एक आदि मरे थे, चलो ये खत्म। और ये रहा भाई, बच्चिया तेरी ऐसे कैसे, कट्टा से मारूंगा इसको, तो निकल यहाँ से, पड़ी साले के, एक और पड़ेगी भाई। आर्मर देखो इनके पास कितने पावरफुल भाई, इतने सारे मैं मार चुका हूँ लेकिन बंदा छः कट्टे में मरा नहीं, अब जा करके मरा नहीं है साला, चलो अब मरेगा, निकल यहाँ से भाई। देख रू कितने पावरफुल कट्टा मतलब आर्मर पहन रखा भाई इन लोगों ने, चलो ठीक है। बाकी भाई साहब ऊपर से कौन मार रहे हैं भाई साहब, क्या नमूना भाई, हेलो भाई बहुत खतरनाक बंदे यार, तू तो सीधा ऊपर ही चढ़ गया, सर पे ही चढ़ के मार रहा है। रुको रुको रुको, इसको ना सीधा एक पड़ेगा, लेट को ये खत्म, इसको भी सीधा ना एक हेड शॉट पड़ेगा, हेड शॉट से ही हम लोग इनको खत्म कर सकते हैं, अदरवाइज इनको मार पाना थोड़ी मुश्किल है। एक सेकेंड बेटा, ओके मर गया बेटा, चलो ठीक है। बाकी एक सेकेंड तेरी तो, नहीं 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 भाई, बच गया मैं तेरी तो, निकल यहाँ से भाई। क्या यार ये लोग यहाँ पर सारा कांड करने बैठे थे, बाकी एक सेकेंड एक कोई गायब है। अरे भाई ये क्या सीन है भाई, यहाँ पर अंडर वाटर माफिया गायब हो गया भाई, वो बंदा उठ करके पक्का भगा होगा, लेकिन ज़्यादा दूर गया नहीं होगा गाइस, हमें ना काम करनी चाहिए यहीं कहीं पर ना ढूंढनी चाहिए, बंदा पक्का छुपा पड़ा होगा यार, तुम सबके सब ना ढूंढने में लग जाओ। चलो यार गाइस ठीक है, मैंने अपने सारे गार्ड को बोल दिया कि तुम लोग ना भाई जाओ और उनको पकड़ने की कोशिश करो, बाकी मैं इन सबको बता दूँ तेरी ऐसे कि तैसे। भाई ऊपर की तरफ ना कुछ बंदे हैं अभी भी, रुक जाओ भाई, अगर ना ये लोग यहाँ से भगते भगते ऊपर जा सकते हैं तो अंडर वाटर माफिया भी पक्का ऊपर चला गया होगा और भग गया होगा, लेकिन कोई ना, ये रहा, चलो गंदा वाला इसको पड़ा है। बाकी इधर की तरफ भी ये बंदा तेरी ऐसे कि तैसे निकल जाए यहाँ से। ऑल राइट गाइस, तो इसको ही मैंने ख़त्म कर दिया है, बाकी अपने बंदे बंदे ना भाई उनको मतलब अंडर वाटर माफिया को उनको मैंने पकड़ने के लिए भेजा है, अगर वो पकड़ा गया ना भाई तो उसका भी आज दी एंड कर देंगे लगे हाथ। आज हम लोगों ने डायमंड कैसीनो हाइस्ट किया और बंदे को भी ख़त्म ही कर दिया था अगर वो मिल गया तो, चलो ठीक है। बंदा भाग गया और मैंने कुचला तो था यार, बहुत गंदा कुचला था, लेकिन भाई बहुत डेढ़ बंदा है, मोटी चमड़ी का बंदा है भाई, इतनी आसानी से मरा नहीं होगा। चलो ठीक है, फटाफट हम लोग थोड़ा सा अंदर चलते हैं। और चलो यार गाइस ठीक है, सभी को मारते मारते ना मैं भाई सब आ चुका हूँ टनल के अंदर, और एक सेकंड मैंने नोटिस नहीं किया भाई यहाँ पर सारे गोल्ड वगैरह ला कर किन लोगों ने रख रखा है, तो एक ट्रॉली दो ट्रॉली इधर है, तीन ट्रॉली इधर है टोटल, और यहाँ पर लेस्टर की हैकर फ्रेंड जोजी ना, ये चार पाँच मतलब पाँच ट्रॉली तो भाई टोटल हो गया, रुक यार मुझे जाने दो यार, और इधर दो और ट्रॉली है, मतलब टोटल हो गया सात ट्रॉली। और यहाँ पर भाई देखो सूटकेस रखा हुआ है जिसमें डायमंड वगैरह होंगे, और यहाँ पर कैश का भी है, यहाँ पर सूटकेस और है जिसमें डायमंड होंगे भाई। यहाँ पर सभी टीम के बंदों ने मिलकर भाई क्या मस्त काम किया भाई, मतलब ना यहाँ पर जो टनल यहाँ पर हम लोगों ने बनाया था सारा ही गोल्ड, और भाई यहाँ पर ना मुझे लगता है कितना था, सात आठ नौ दस, सात से दस ट्रॉली है गोल्ड का, और बाकी पैसों का एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ ट्रॉली है पैसों का, बाकी तीन चार पाँच सूटकेस है डायमंड का। यार भाई हम तो रिच हो गए भाई, तो यार भाई इस वक्त का भाई खुशी की बात यह कि भाई हमारे पास ना सारे पैसे वैसे आ चुके हैं, लेकिन गाइस एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इतने सारे ट्रॉली को ना गाइस हम लोग अपने आर्केड तक लेकर के जाएंगे कैसे, क्योंकि देखो बाहर अंडर वाटर माफिया अपने गार्ड के साथ था और वो तो भाग गया बचकर, मैंने सभी को मार दिया, लेकिन पुलिस भी बचना है और सबसे बचना है, और वहाँ पर देखो फ्रैंकलिन ने भाई गेट पर एम करके खड़ा है, लगता है ना गाइस वहाँ पर सिक्योरिटी भी आ रखा होगा, तो हमें ना भाई ये जो वाल है ना भाई इसको भी सही करना पड़ेगा, ताकि भाई मतलब ना किसी को शक ना हो कि यहाँ पर भाई कोई वाल को ब्रेक करके अंदर घुसा था। यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी भाई, मतलब इतने सारे कैश वैश देख करना खुशी तो बहुत हो रही है, लेकिन इन सबको सेफली मार्केट तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मेरे को, ये कैसे करेंगे गाइस ये तो मुझे नहीं पता। तो चलो गाइस यार करते इस वाले वीडियो गेट, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आपने जाकर फटाफट से कमेंट करके बताओ कि भाई इतने सारे पैसे आ चुके हैं तो भाई साहब अब ना इन पैसों का हम करें क्या, और इसके साथ साथ भाई इन पैसों का ना सेफली हम लोग मार्केट तक कैसे लेकर के जा सकते हैं, कोई आइडिया बताओ। और हाँ गाइस इसी के साथ साथ ना जाकर वीडियो को लाइक भी कर दो, 13,500 का लाइक टारगेट कंप्लीट कराओ, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से जल्दी आ जाएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा उसी दिन नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा, तो फटाफट जाओ गाइस कंप्लीट करा लो। और इसके साथ साथ ना मुझे इंस्टाग्राम भी जाकर फॉलो कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ यार जल्दी से जाकर मुझे फॉलो भी कर लो इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आपको ना बताते रहता हूँ कि जीटी की वीडियो कब आएगी और किस दिन आएगी, और आपसे बातें भी करता हूँ, फटाफट जाओ फॉलो कर लो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।